वी आर लाइव, यू कुड स्टार्ट। बहुत बहुत शुक्रिया लोकतंत्र शाला को ये ऐसी चर्चा सीरीज का आयोजन करने के लिए। तो सबको सबको हमारे तरफ से जिंदाबाद, सलाम, नमस्कार। और हम ये चर्चा लोकतंत्र शाला के चर्चा सीरीज का ये तीसरा पहलू है। पहले तो लोकतंत्र शाला क्या है उसके बारे में संक्षेप में मैं बता देता हूँ। लोकतंत्र शाला एक पॉलिटिकल स्पेस है जहाँ पे कई चीज़ों के बारे में सोचा जाता है। कई तरीके के ट्रेनिंग्स होते हैं कि सरकारी योजनाओं के बारे में, कुछ इतिहास के बारे में वगैरह वगैरह। तो उसके साथ ही मैं ये जोड़ना चाहूँगा कि पहले दो किश्तों में ये कोरोना वायरस का जब से शुरू हुआ है, तो पहली बार तो डॉक्टर वंदना प्रसाद ने बात किया था कि कोरोना के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में उन्होंने बात किया था। उसके बाद उसके दूसरे किश्त में विजय आनंद साहब, जो पहले चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं केरला में, उन्होंने उसके बारे में बताया था कि केरला का क्या रेस्पॉन्स रहा है, किस तरीके से केरला ने कोरोना वायरस के खिलाफ जो लड़ाई शुरू की है उसके बारे में उन्होंने बताया था। तो आज ये तीसरा पहलू है, तीसरा किश्त है। इस पे हम खास करके, हमारा फोकस रहेगा, हमारा केंद्र रहेगा कि जैसे जो प्रवासी मजदूर हैं, यानी कि जो माइग्रेंट लेबर हैं, उनकी क्या स्थिति है। जो जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, जब से तालाबंदी शुरू हुआ है 24 मार्च से लेके अब तक, प्रवासी मजदूरों की क्या स्थिति रही है, उनका उनके राशन का क्या हालत रहा है, उनके पास जो पैसों का क्या हालत रहा है, उनकी मानसिक स्थिति क्या है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। और चर्चे में हमारे साथ काफी जो इस मुद्दों के साथ बहुत जमीनी स्तर पे जुड़े हैं वो हमारे साथ आए हैं आज। एक है मुकेश, जो MKSS मजदूर किसान शक्ति संगठन के साथ जुड़े हैं। अविनाश, वो लोकतंत्र शाला और मजदूर किसान शक्ति संगठन के साथ जुड़े हैं, दोनों हैं। उसके साथ ही हमारे एक बहुत खास मेहमान हैं, संजय साहनी साहब। संजय साहनी मुजफ्फरपुर बिहार में रहते हैं। संजय समाज परिवर्तन शक्ति संगठन नाम का एक बहुत ही बलवान एक संगठन चलाते हैं। मुजफ्फरपुर बिहार में शुरू हुई थी, अब बहुत जगह फैल चुकी है बिहार में। और उनके साथ हमारे साथ एक और हैं, अनिंदिता अधिकारी, जो कि एक छात्रा हैं ब्राउन यूनिवर्सिटी में, लेकिन बहुत जमीनी स्तर पे यहाँ पे जुड़ी हुई हैं। उन्होंने वो एक नेटवर्क के साथ जुड़े हैं जिसका नाम है स्ट्रैंडर्ड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क। तो इसके अंतर्गत क्या काम हुआ है इस बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ सब लोग जुड़े हैं। तो पहले तो मैं शुरुआत करूंगा कि मुकेश, जरा बताएं कि ये एक तो प्रवासी मजदूर का एक है, उसके साथ ही बहुत लोग हैं जो खाने को नहीं पा रहे, खाने उनको खाना ठीक से उनको नहीं मिल पा रहा है, जैसे वो अर्बन स्लम्स में है या फिर राशन उनको ठीक से नहीं मिल पा रहा है। अगर मोटे तरीके से देखें तो गरीबों पर क्या असर पड़ा है इस तालाबंदी का, वो हमारे लिए एक मुद्दा रहेगा। उसमें प्रवासी मजदूरों का मुद्दा एक खास मुद्दा है। तो मुकेश, जरा पहले हम शुरू करना चाहेंगे, आप जरा संक्षेप में अपना परिचय भी दें और जरा बताएं कि किस तरीके का काम आप कर रहे हैं। और मैं अनुरोध करूंगा सारे स्पीकर से कि आप जो भी कहना चाहेंगे अपनी बात 5 मिनट में अपनी बात रखें ताकि हम चर्चा को आगे बढ़ा सकें। शुक्रिया मुकेश। बहुत धन्यवाद राजेंद्रन जी और लोकतंत्र शाला के इस तरीके की ये चर्चा आयोजित की। मैं मजदूर किसान शक्ति संगठन और राजस्थान असंगठित मजदूर यूनियन, जो असंगठित क्षेत्र के जितने भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो वर्कर्स हैं उनके साथ राजस्थान के विभिन्न जिलों में काम करता है, उसके साथ काम करता हूँ। अभी बेसिकली जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ, क्योंकि राजस्थान में पूरे देश से पहले लॉकडाउन 21 मार्च से ही शुरू हो गया था, तो हम लोगों ने तो काम हमारा 21 तारीख से ही शुरू कर दिया था। और जयपुर में हम 3 तरह के लोगों के साथ बेसिकली काम कर रहे हैं, जिसमें 10-11 संगठन जुड़े हैं। उसमें मजदूर किसान शक्ति संगठन भी है, राजस्थान असंगठित मजदूर यूनियन है और बाकी और संगठन है जो पूरी सक्रियता के साथ काम कर रहे हैं। तीन तीन तरह के लोग हैं जिनके साथ हम काम कर रहे हैं। एक है कि ये जो माइग्रेंट वर्कर्स, जो आपने बताया कि प्रवासी मजदूर जो विभिन्न, और जयपुर में बहुत बड़ी तादाद में कई लाखों में मजदूर हैं जो रहते हैं, सबसे ज्यादा बिहार के मजदूर हैं, उसके बाद यूपी के हैं, झारखंड के हैं, उड़ीसा के हैं, बंगाल के हैं, मध्य प्रदेश के भी हैं, तो इस तरीके से उनकी संख्या लाखों में है। और दूसरे नंबर पे हैं जो कच्ची बस्तियों में रहते हैं, और कच्ची बस्तियों में मतलब बहुत सालों से रहते हैं, 20 साल से 30 साल से रहते हैं। और तीसरे तरह के लोग हैं जो बेघर लोग हैं, जो फुटपाथों पर सोते हैं, पुलियों के नीचे सोते हैं, जिनके पास कोई अपना खुद का नहीं है, या सड़क किनारे किसी ने झुग्गी बना ली, उस तरीके से जो लोग रहते हैं।
वो लोग हैं। तो हमने ये काम शुरू किया था, शुरुआत में हमने बेघर लोगों के साथ काम शुरू किया जो पुलिया के नीचे फुटपाथ पे सो रहे थे, तो हमें नजर आया क्योंकि उनकी भी बड़ी संख्या थी। उसके बाद धीरे धीरे हम कच्ची बस्तियों में गए, और उसके बाद हम गए थोड़ा आगे जो औद्योगिक इलाके इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, तो बड़े तादाद में वहां मजदूर हमें मिले। और उनकी स्थिति हमें, क्योंकि उनको 2-5 दिन तो खाने की व्यवस्थाएं थी, उनके पास राशन था, लेकिन उसके बाद सब कुछ खत्म हो गया। और एक तरीके से उनकी स्थिति ऐसी हो गई धीरे धीरे 5-7 दिन के बाद में कि उनके पास कुछ खाने को बचा नहीं। हम लोग भी शुरुआत में काम कर रहे थे कि पका हुआ खाना पहुंचा रहे थे, 7 से 8 हजार रोज बांट रहे थे, लेकिन जिस तरीके से भीड़ लग रही थी, हम 500 लोगों का खाना ये जो खाना बांट रहे हैं, ये कहीं ट्रांसमिशन का तरीका ना बन जाए, तो इसलिए हमने इसको बंद करके, और हमने सरकार को लिखा कि आज से 2 या 3 अप्रैल से हमने बहुत कम कर दिया उसको और बंद किया। और फिर हमने ये शुरू किया कि कहीं ना कहीं सरकार के स्तर पर जैसे भी है इस काम को हमें करना चाहिए और करवाना चाहिए उनसे। तो हमने सरकार पत्र तो लिखा ही, और उस पत्र के साथ हमने शुरू किया। यहाँ जयपुर में सीतापुरा औद्योगिक इलाका है जिसमें 1 लाख 2 लाख के आसपास मजदूर काम करते हैं, बहुत कम मजदूर यहाँ से निकले थे। और हम गए, बराबर गए, प्रशासन ने भी ये कह दिया, बेसिकली यहाँ जिला कलेक्टर ने एक आदेश निकाला कि जितने भी औद्योगिक संघ हैं, यहाँ पे 8 औद्योगिक इलाके हैं जयपुर में, उन 8 औद्योगिक इलाकों के लिए जयपुर जिला कलेक्टर ने आदेश निकाल दिया कि जो भी प्रवासी मजदूर हैं उनकी जो देखरेख है, उनका खाने की व्यवस्था है, सारी व्यवस्था है वहाँ के औद्योगिक संघ करेंगे। तो हम ये देख सकते हैं एक तरीके से कि शुरुआत में जिला प्रशासन ने अपना पल्ला झाड़ लिया कि सरकार की जिम्मेदारी केवल इतनी है कि हम उनको निर्देश दे देते हैं और उसके बाद में ये चलता रहेगा। लेकिन वहां औद्योगिक संघ ने कोई शुरुआत भी नहीं की। हो सकता है टोकनिज्म के तौर पे कहीं कुछ कर रहा हो, 100 लोगों को, 500 लोगों को, लेकिन वहां तो बड़ी तादाद में लोग थे। हमने बार बार ये चीजें कही, वहां जिला कलेक्टर आए भी, औद्योगिक संघ के साथ बात हुई, लेकिन कुछ हुआ नहीं। उसके बाद ये लंबा चला मामला, और लंबे चलने के बाद में वहां पे जो श्रम विभाग है राजस्थान सरकार का, और विशेष कर यहाँ जो श्रम अधिकारी है जयपुर स्तर पे, जो संयुक्त श्रम निदेशक हैं, उसके नीचे के जो लोग हैं वो इतने एंटी लेबर हैं कि उन्होंने कहा हमारे कोई भी मजदूर एक तरीके से भूखा ही नहीं है, आप ये ऐसे ही बातें उठा रहे हैं। इस तरीके की बातें वो कर रहे थे। हमने बार बार उनको कहा आप आइए हमें, जब उनके श्रम निरीक्षक लेबर इंस्पेक्टर आए, जब उन्होंने देखा तो उनको भी लगा कि हाँ वास्तव में, और उनके पास कोई डेटा नहीं, श्रम विभाग के पास डेटा होना चाहिए किस फैक्ट्री में कितने, किसी का नाम नहीं तो कम से कम कितने लोग काम कर रहे हैं ये तो होना चाहिए, उनके पास कोई डेटा नहीं था। उसके बाद हमने कहा कि आप सर्वे करिए, आप हमको भी शामिल करिए। उन्होंने सर्वे एक कॉलोनी में जाके, एक जगह जाके सर्वे किया, 10 हजार मजदूरों को निकाला, जबकि वहां मजदूर लगभग 50 हजार बैठे हुए थे। तो धीरे धीरे वो प्रशासन के ऊपर दबाव बढ़ा, और एक एरिया में उन्होंने ये सूखा राशन बांटा, और उस सूखे राशन में भी 5 किलो आटा, 1 किलो चावल, 1 किलो दाल, और वो 3-4 दिन 5 मजदूरों को दिया, तो वो 3-4 दिन का था, खत्म हो गया। अभी हम वापस दबाव बनाए हुए हैं। इसी तरीके से यहाँ की जो पूरी व्यवस्था है बेसिकली इस तरीके से कर दी कि पुलिस का जो योगदान है वो बड़े लेवल पे हो गया, सारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है अभी उसमें पुलिस बड़े पैमाने पे बांट रही है, खाना भी थानों से बट रहा है, सूखा राशन भी थानों से बट रहा है। तो एक तरीके से पुलिस काम कर रही है, 24 घंटे काम कर रही है, लेकिन हम पुलिस का व्यवहार जानते हैं कि वो किस तरीके से मजदूरों के साथ पेश आती है। पुलिस यहाँ पे बार बार दे रही थी, हम भी साथ में थे, पुलिस दे रही थी लेकिन भिखारियों जैसा बर्ताव कर रहे थे। कोई व्यक्ति बाद में आया, किसी तरीके से आया, तो उनको बोल रहे हैं कि अरे भिखारी आप तो आ गए हो, जाओ यहाँ से। तो एक तरीके से मुझे लगता है कि जयपुर में पुलिस का जो एक तरीके से व्यवहार है वो व्यवहार कहीं ना कहीं, मुझे तो ये नजर आता है कि हम एक तरीके से एक पुलिस स्टेट में घुस गए उनका, क्योंकि बहुत सारे और कर्मचारी हैं, टीचर हैं और दूसरे विभागों के लोग बैठे हुए हैं। पुलिस का हमको मदद लेना चाहिए केवल इस काम के लिए कि वो व्यवस्था बनाने के लिए साथ में रहें, लेकिन उनके हाथ में दे देंगे ये ठीक।
दूसरा एक और चीज, एक तरीके से जो हुआ यहाँ पे कि सरकार ने ऑर्डर निकाले, अच्छे ऑर्डर निकाले, और एक एक जगह बेसिकली जो खाद्य सुरक्षा के लाभार्थी हैं उनको तो गेहूं मिला, 5 किलो अतिरिक्त मिल रहा है, उसके भी आदेश जारी हो गए, लेकिन जो नहीं है उसमें उनके लिए इन्होंने बना दिया कि जरूरतमंद जो भी होंगे। अब जरूरतमंद ऐसा एक टर्म बन गया कि वो अपना आर्बिट्रेरी है, कौन अधिकारी जिसके मन में जो आ जाए वो जरूरतमंद हो गया, तो जिसके मन में आ रहा है उसके लिए दे रहे हैं, जिसके मन में नहीं आ रहा है उसके लिए नहीं दे रहे हैं। और एक तरीके से सामाजिक संगठनों के लोग, यूनियनों के लोगों को सरकार के लोग कह रहे हैं कि आपके पास कोई लिस्ट है, आपके पास है तो आप बता दीजिए। भाई हमारे पास कितना होगा, 1000 का होगा, 2000 का होगा, जयपुर जैसे शहर में 40 लाख लोग रहते हैं, तो 40 लाख लोगों तक पहुंचने के लिए राज्य सरकार के पास इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, उनको जाना चाहिए, उनको कॉलोनी कॉलोनी में जाना चाहिए, उनके पास BLO है, उनके पास पुलिस का बीट है, उनके पास अलग अलग तरीके का एक मैकेनिज्म बनाया हुआ है, तो एक तरीके से उसको पहुंचाने में बहुत देरी कर दी। दूसरा एक चीज जो हुआ वो हुआ ये कच्ची बस्तियों के लिए। कच्ची बस्तियों में क्या है कि बहुत लोग कुछ तो भामाशाह पहुंचे वहां कच्ची बस्तियों में, सूखा राशन लेके भी, पका पकाए पैकेट लेके भी, लेकिन यहाँ भी जो कचरा बीनने वाले हैं, जो रोज कमा के खाने वाले हैं, और उनकी बहुत दयनीय स्थिति हो गई, वो बहुत दूर दूर रहते हैं। कुछ कच्ची बस्तियां हैं जो शहर के पास हैं, और दूसरे तीसरी तरह के लोग हैं जो घरेलू कामगार महिलाएं हैं, जो घरेलू काम करती है, श्रम विभाग ने उनसे पल्ला झाड़ लिया क्योंकि न तो उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है। जयपुर शहर में ही एक यूनियन के साथ 15,000 महिलाएं जुड़ी हुई है, जब यूनियन के पास उनका रजिस्ट्रेशन है, जब यूनियन उनका सिफारिश कर दे, क्योंकि इन्होंने कहा कि हम 2,500 रुपया देंगे राजस्थान सरकार ने, जो भी मजदूर है जो रजिस्टर्ड है, तो घरेलू महिलाएं जिनका काम बिल्कुल बंद हो गया, जो बहुत ही कम कमा पाती हैं, उनके लिए दिया जाना बहुत जरूरी था। और चौथी चीज जो राजस्थान में की शायद सूचना रोजगार अधिकार अभियान ने, क्योंकि जयपुर में ये काम हो रहा था, कुछ और जिलों में भी ये काम हो रहा था, लेकिन बहुत सारे ग्रामीण इलाके जिनमें के लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, निकलना भी शायद मुश्किल हो रहा था, उन इलाकों के लिए सूचना रोजगार अधिकार अभियान ने सारे जिलों के लोगों से बात की, वहां पे लोगों से बात करके कोई जरूरतमंद है जो भी सरकार की शिकायत की व्यवस्था है वहां शिकायत करें। जो हमारा सूचना रोजगार अधिकार अभियान और अन्य सामाजिक संगठनों का जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में यहाँ जयपुर में भी एक कंट्रोल रूम चल रहा है जनप्रयास के नाम से, जिसमें 11 संगठन जुड़े हुए हैं, वहां भी जैसे भी सूचना आ जाए उसकी मदद किस तरीके से कर सकते हैं, उसका पूरा प्रयास ये किया। तो मैं बेसिकली निष्कर्ष के तौर पर ये कहना चाहूंगा कि सरकार के स्तर पर प्रयास किए गए, जयपुर जिला स्तर के लेवल पर भी प्रयास किए गए, लेकिन वो बहुत नाकाफी हैं, अभी भी बहुत नाकाफी प्रयास हैं, क्योंकि कच्ची बस्तियों में लोगों के पास केवल भोजन की बात नहीं है। कच्ची बस्ती के लोग लाते थे 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर दूर से पानी भर के लाते थे, किसी के घर से पानी लाते थे, अभी पुलिस उनको जाने नहीं दे रही, वो पानी कहाँ से लाएंगे, पानी के लिए वो फोन करेंगे टैंकर वाले को, टैंकर आ तो जाएगा लेकिन इतना पैसा कहाँ से लाएंगे, 1000 रुपए का टैंकर मिल रहा है। तो हम केवल खाना नहीं है उनका, खाने के साथ साथ उनका पानी है, इतनी गंदी बस्तियां मिली है हमें, कह रहे हैं सैनिटाइज कर रहे हैं पूरे शहर को और दूसरे लोगों को सैनिटाइज करके, लोग इतनी गंदगी गंदगी में जी रहे हैं, उस गंदगी से कैसे वहां व्यवस्था है, वहां सफाई की व्यवस्था है जाना, ये सारी चीजें। और हमने कई मजदूर बस्तियों को देखा है जो मजदूर रहते हैं, एक ही कमरे में 7-7, 8-8 मजदूर रह रहे हैं, और बहुत ही ऐसे इलाके में रह रहे हैं बिहार के और यूपी का मजदूर रह रहे हैं, और उन बस्तियों में सरकार का पहुंचना लगातार, श्रम विभाग का वहां जाना, उनकी समस्याओं को लेना, तीसरी एक चीज जो मैं कहना चाहता हूं और खत्म कर रहा हूं इसके साथ, कि बेसिकली ये जो जिस तरीके से इसको बंद किया गया और अभी चल रहा है, आगे भी चल रहा है, उद्योग धंधे भी कुछ खुल रहे हैं लेकिन जयपुर में कुछ नहीं खुला है, तो हम सबको कहीं ना कहीं सरकार को भी और सरकार के स्तर पे भी एक एक व्यक्ति के ऊपर, एक एक कॉलोनी के ऊपर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। हेल्थ एक हिस्सा है, उसके अलावा जो राहत का काम है, लोगों की जिंदगियों का काम है, और हेल्थ में भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि नॉन कोविड जो पेशेंट हैं उनके साथ बहुत अलग तरीके का व्यवहार किया जा रहा है, उनको न तो लिया जा रहा है
अस्पतालों में ना उनकी जांच हो रही है, बहुत गंभीर जो मरीज है उनकी भी जांच नहीं हो रही है, तो उसके ऊपर भी बहुत तरीके से ध्यान दिए जाने की जरूरत है, नहीं तो कोविड से बहुत कम लोग मरेंगे और दूसरी जो बीमारियां हैं और खाने की जो कमी है उसकी वजह से बहुत लोग एक तरीके से मुझे लगता है कि मर जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश, आपने धन्यवाद। हाँ बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक बहुत ही दयनीय स्थिति पेश की है हमारे जयपुर की तरफ से। मेरे ख्याल से आपको कहीं निकलना, आपको कहीं बाहर जाना है किसी काम से, तो अगर कोई सवाल हो तो क्या हम पहले ही मुकेश से पूछ लें? किसी का कोई सवाल आया हो किसी और सवाल लास्ट में ले सकते हैं, मैं वहां जाके सवाल जो भी होंगे अभी लास्ट में ले सकते हैं, मैं तब तक आ जाऊंगा वापस। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश। तो आगे बढ़ते हुए मुकेश ने दयनीय स्थिति प्रस्तुत की है राजस्थान की, खास करके जयपुर में जो मजदूर, जो बस्ती, कच्ची बस्ती में लोग फंसे हुए हैं। मैं अनुरोध करूंगा अभी संजय से कि वो अपनी बात जरा 5 मिनट में रखें। उससे पहले मैं अपना परिचय देना भूल गया था, मेरा नाम राजेंद्रन नारायणन है और मैं फिलहाल तो बेंगलोर में अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ और साथ ही मैं ये स्वान नेटवर्क के साथ फिलहाल जुड़ा हूँ जो प्रवासी मजदूरों के साथ हम काम कर रहे हैं। तो मेरा अनुरोध रहेगा संजय जी से, संजय जरा आप 5-6 मिनट में अपनी बात रखें कि किस तरीके से मजदूर आपको पूरे हिंदुस्तान से आपसे संपर्क कर रहे हैं और किस तरीके की मांग कर रहे हैं और आपकी आपकी क्या आपकी सोच क्या रही है पिछले जब से तालाबंदी शुरू हुआ है। जी सभी को नमस्ते। मैं ये बताना चाहता हूँ क्योंकि खासकर मेरे पास बिहार के अलग अलग जिला के मजदूरों का फोन आता है और वो भारत के हर एक कोने में है अभी इस टाइम, तो हर एक राज्यों में फंसे हुए हैं, अपने आप को महसूस कर रहे हैं और कि फंसे हुए हैं सब लोग और बहुत बुरी स्थिति में है और वो अलग अलग स्थिति से है। कुछ मजदूर तो ऐसे भी है जो 21 को पहुंच गए हैं घर से प्लान करके मजदूरी करने के लिए बाहर और 22 तारीख से लॉकडाउन शुरू हो गया था, तो वो खाली हाथ गए यहाँ से, उनके पास कोई पैसे भी नहीं थे ना उनके पास कोई रहने का ठीक से रास्ता था ना कोई साधन था, वो लोग भी फंसे इस तरह से। कुछ लोग ऐसे थे जिनकी तनख्वाह मिली थी, पैसे मिले थे, वो घर भेज दिए थे और उसके बाद उनके लॉकडाउन वहां पे हो गया तो उनके पास तब भी वो खाली हो गए थे। कुछ मजदूर ऐसे हैं जिस कंपनियां में रह रहे थे, फैक्ट्री के अंदर ही रह रहे थे और वो जब लॉकडाउन हुआ तो उनके मालिक जो है वो स्विच ऑफ कर लिए और उनको कोई संपर्क नहीं किया और मजदूर अंदर फैक्ट्री में परेशान होने लगे और वो अंदर अपने आप को बंद महसूस कर रहे थे। तो ऐसे अलग अलग स्थितियों में कुछ जो महिलाएं हैं, फैमिली है जो उनके पास है, कुछ महिलाएं जो बाहर काम कर रही थी वहां पे किसी के घर में चौका बर्तन के काम कर रही थी, उन तरह के लोगों का जो फोन आता है तो वो बोलते हैं कि हमारा काम भी बंद हो गया क्योंकि हमें वो बुलाते नहीं है अपने बर्तन धोने के लिए या काम कराने के लिए, इसलिए हम जा भी नहीं रहे, हमारे पास पैसे भी नहीं है, तो हमारा स्थिति बहुत खराब है। कुछ मजदूर तो कुछ दिन चला पाए थे, 2-4 दिन लॉकडाउन के बाद, और उसके बाद उनकी स्थिति बहुत खराब हो गई। तो मेरे पास एक दो करके जब फोन आना शुरू हुआ था शुरुआत में, तो वो एक साथ ग्रुप में होते थे, वो लोग जो 50 लोगों के साथ होते थे या 30 लोगों के साथ होते थे एक जगह पे कोई फैक्ट्री में या कोई कंपनियां में, वो फोन करते थे कि हमारे पास पैसे भी नहीं है, राशन भी नहीं है और हमारा काम भी नहीं चल रहा है, तो मालिक जो है हमारा वो स्विच ऑफ कर लिया है, हम क्या करें, आप कुछ रास्ता बताइए। और उस तरह से धीरे धीरे कर करके हर एक जिला से, हर एक इलाके से फोन आने लग गए और जब हम उनको पूछने भी लगे कि आपको मेरा नंबर कहाँ से मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, तो उन्होंने कहा था कि आपका नंबर मुझे किसी दोस्त ने दिया था और वो हमारे दोस्त है, वो दूसरे राज्यों में रहते हैं, उन्होंने कहा कि इस नंबर पे बात करोगे तो आपको कोई हेल्प जरूर मिल सकता है। मैंने उनको बोला कि आप बिहार सरकार के हेल्प लाइन नंबर पे क्यों नहीं करते, आपके पास नंबर है या नहीं है? उन्होंने कहा नंबर है, व्हाट्सएप पे भी आया वो नंबर, लेकिन उसमें से कोई भी नंबर काम नहीं कर रहे हैं जिस कारण हम उनसे कोई मदद नहीं मांग पा रहे हैं, तो आपका नंबर मुझे मिला है, आप अगर कुछ मदद कर सकते हो तो आप करो। तो फिर हम जो स्वान नेटवर्क है उनको हम लोग सूचित करें और बहुत सारे जो एक्टिविस्ट लोग हैं अपने देश में उनको हम लोगों ने संपर्क किया कि ये बिहार के लोग हैं और हम इनको बात किया है और ऐसे महसूस कर रहे हैं ये फंसे हुए हैं वहां पे, तो वो लोग भी कई लोग पैसे से, कई लोग राशन पहुंचाया, कई लोग की जिस तरह से जिनको संभव हो सका वो लोग कर पा रहे हैं, अभी भी चल रहा है सेम, लेकिन वो कम नहीं हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है समस्या जो है, वो 21 दिन 20 दिन में कम नहीं हुए हैं बल्कि और बढ़ रहे हैं।
पर इस तरह से रहे जो शुरुआत में जिनको हम लोगों ने एक बार मदद करवाया, कहीं से 10 किलो चावल या राशन वहां पहुंचा, और वो 21 दिन हो चुके हैं और वहां पे सरकार की तरफ से भी खाना नहीं मिल पा रहा है। कई लोग ये बोल रहे हैं कि हम जाते जरूर है खाना खाने के लिए, वहां पे लाइन में लगते भी हैं, लेकिन जब हमारे नंबर आते हैं तब वहां से हमारा खाना खत्म हो जाता है। हमसे पहले ही कई लोगों के पीछे होते हैं, वहां पर खाना खत्म हो जाता है, तो हम वापस आ जाते हैं, अपने बच्चों को वापस लेके साथ में घर चले आते हैं, क्योंकि खाना वहां पे नहीं मिलता है। तो इस तरह से हम लोग बहुत परेशान है, ऐसा रोज फोन आता है हमारे पास। और एक इस तरह से देखते देखते में आप एक अभी तो नया भी फोन आने लग गया है, क्योंकि जिनको एक बार हम लोगों ने मदद करवाया था, अब वो कह रहे हैं कि हमें एक बार और करिए, क्योंकि लॉकडाउन का जो टाइम है वो बढ़ा दिया गया था, अगर वो नहीं बढ़ता तो हम आपसे मदद नहीं मांगते, इसलिए हमें दोबारा मदद की जरूरत पड़ रही है। और बहुत रिक्वेस्ट करते हैं रोज फोन पे, व्हाट्सएप पे मैसेज करके, जैसे उनको संभव होता है वैसे हमारे पास फोन करते रहते हैं। तो मेरा जो मोबाइल नंबर है वो बिहार के मजदूरों के बीच में वायरल हो चुका है, और कई मजदूरों को ये समझ में आ रहा है कि जो मेरा नंबर है वो बिहार सरकार का हेल्पलाइन नंबर है, और वो ये सोच के कई बार फोन करते हैं मेरे पास कि आप हेल्पलाइन नंबर से बोल रहे हो। मैंने कहा नहीं साहब, मैं हेल्पलाइन नंबर से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप बताइए आपका क्या समस्या है। तो वो जब अपना समस्या बताते हैं, मैं उनको नोट करता हूँ, उनसे कुछ जानकारी लेता हूँ, कहाँ रहते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, किस तरह की समस्या है, कितने लोग हैं, ये डिटेल लेकर के मैं अपने अलग अलग ग्रुप को भेजता हूँ कि ये देखिए इनको आप कुछ मदद कर सकते हैं। और वो मदद लगभग लगभग हो भी रहा है, क्योंकि ये सरकार से तो नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ कुछ जो एक्टिविस्ट लोग हैं, जो ग्रुप बनाए हैं, या ये स्वान नेटवर्क है, या जो भी हमारे राज्यों में अलग अलग है जो भी साथी हैं, उस तरह के लोगों को आप संपर्क करते रहते हैं और राशन उनको या जो भी मदद पहुंच पा रहा है। कई लोगों का बीमारी भी इसमें शुरू हो गया है, क्योंकि वो कमजोर भी होते जा रहे हैं धीरे धीरे, खाना कम हो रहा है उनका, स्थिति खराब हो रही है धीरे धीरे, तो वो बीमार हो रहे हैं। एक को वो जालंधर में है, और पंजाब के जालंधर में और बिहार के हैं, उनको बीमारी शुरू हुआ था, वो हम लोगों के भाषा में उसको बुखार बोलते हैं, जो दूसरा बुखार होता है पीलिया टाइप का होता है, जॉन्डिस बोलते हैं, जॉन्डिस हो गया उनको, और डॉक्टर ने उनको बोला कि आपको ब्लड टेस्ट कराना पड़ेगा और दवाई खानी पड़ेगी, और वो उनके लिए बहुत दिक्कत था। फिर हम लोगों ने किसी तरह उनको हेल्प करवाई और वहां जाकर के उनकी इलाज हुई। कई महिलाएं हैं जो गर्भवती है, उनकी फोन आ रहे हैं कि हमारा ये महीना है जिसमें हमें डिलीवरी होना है और हमारे पास कोई ऐसे साधन नहीं है। वो इस टाइम बेंगलोर में है, और बेंगलोर से हमारे पास फोन आया और वो अपने फोटो भेजी कि हमारा किसी भी टाइम दिक्कत हो सकता है, आपकी तरफ से कोई मदद हो सकता है क्या। तो वो सब चीजें भी हम भेजते रहते हैं। तो कुल मिला के अभी जो स्थिति है वो और बढ़ने वाली है खराब, क्योंकि मजदूर बहुत परेशान है। चाह रहे हैं कि हम घर जाएं, और उनको घर भी नहीं आने दिया जा रहा है, और ना उनको कोई वहां साधन दिया जा रहा है। वहां पे काम भी वो अगर शुरू कर दे तो थोड़ा बहुत वो लोग उलझ जाएंगे, अपने काम में कर सकते हैं, खाना वगैरह मिलने लग जाएगा, वो भी नहीं किए करने दिया जा रहा है। और आधे मजदूर तो रोज मेरे से ये पूछते हैं फोन करके कि गाड़ी का क्या स्थिति है, आपको तो जरूर पता होगा क्योंकि आप इतने लोगों को बात करते हो, जानकारी होगी, तो आप प्लीज बताइए कि गाड़ी कैसे चलेगी, कब आएंगे। कोई मजदूर फोन करते हैं कि हम लोग अपने पैसे दे सकते हैं, हम ट्रक बुक कर रहे हैं या बस बुक कर रहे हैं, मुझे आप कोई एक पास बनवा दो किसी से बोल के, ताकि मैं अपने गांव जा सकता हूं। तो इस तरह से हर एक राज्यों से पूरे बिहार के मजदूर अलग अलग जिला से फोन करते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके से। जी बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी। ये संजय जैसे कह रहे थे कि मैं जरा इंग्लिश में एक मिनट में बोल देता हूँ, क्योंकि कई सारे हमारे जो देखने वाले हैं शायद अंग्रेजी भाषा भी प्रेफर करेंगे। तो व्हाट संजय इज ट्राइंग टू से इज दैट ही वर्क्स फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन इन मुजफ्फरपुर इन बिहार, बट नाउ हिज नंबर हैज बिकम द डिफॉल्ट हेल्पलाइन फॉर पीपल फ्रॉम बिहार हु आर वर्किंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। एंड इट स्टार्टेड ऑफ विद अ फ्यू पीपल ट्राइंग आउट द बिहार हेल्पलाइन नंबर, बट बीइंग अनसक्सेसफुल दे गॉट टू नो दैट संजय हैज been able to arrange for rations or some basic relief in terms of cash by connecting through various organizations across the country. So they have started reaching out, and soon the news has spread, and some of the anecdotes that he has given are very scary and very grim. In particular, he talked about a laborer from Jalandhar in Punjab who now has jaundice. So treatment of jaundice, people are, because of lack of sufficient nutrition, because of lack of food, people are falling sick, and different kinds of ailments are afflicting people. He's also talked about some women who've reached out to him from Bangalore.
they are pregnant women and they are saying that any time our delivery can happen. So in such an event, what should we do? We desperately need help. Many of them are even asking Sanjay, thinking that Sanjay has some connection with the Bihar government, asking him for passes so that they can get transportation back home, because there is a certain desperation that's set in that they want to go back home. And many of them are in fact ready and saying that we are willing to somehow raise funds and book a truck so that we can all come back home. So please do something. So this call for this kind of a distress and this kind of a desperation to reach out to anyone through anyone is just increasing with each passing day. Sanjay, mere khayal se sawal aakhir mein logon ka hoga. Jab sawal hoga to hum ek saath sabka sawal ikattha karke phir hum charcha aage badhayenge. Lekin uske pehle main anurodh karunga ki Anindita humse thoda baat rakhein. कि सरकार के तरफ से अगर आप ये दो तीन चीजें अगर हमें बताएं कि सरकार की तरफ से किस तरीके का रिलीफ मेजर उन्होंने किया है, और जमीनी स्तर पे जिन लोगों से भी आपने बात किया है, जिस तरीके के लोगों से भी आपने बात किया है स्वान के माध्यम से, आपका क्या फीडबैक रहा है, आपको क्या समझ में आया उससे? सबको मेरा नमस्कार और जिंदाबाद। तो संजय और मुकेश के बयान के बाद सरकार का क्या रिस्पांस रहा है उस पर ये मैं दो बातें रखना चाहूँगी। एक तो जो स्वान के एक्सपीरियंस से जो निकल के आया है कि अब लगभग 9000 जो प्रवासी मजदूर हैं उनसे अनिंदिता अगर मैं अनुरोध करूँगा कि आप संक्षेप में जरा स्वान के बारे में बताएं, उसके बाद आगे बढ़ें। अच्छा, तो ये स्टैंडर्ड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क, ये देखा जाए तो इसकी शुरुआत ये संजय ने जो बताया कुछ कॉल से शुरू हुआ। संजय और दूसरे ऐसे हमारे जो साथी हैं अलग अलग राज्यों में, उनसे जब हमें कॉल्स आने लगे कि आपके शहरों में हमारे गांव के या हमारे ज़िला के लोग फंसे हुए हैं, उनकी आप कुछ मदद कर सकते हैं, उस वक्त तो ये एक निजी तौर पर हम लोग जो कर पाए एक छोटे से ग्रुप में, वहाँ से शुरू हुआ। मगर संख्या बढ़ती गई और करीब 15-16 तारीख तक ये संख्या 9000 से ऊपर चली गई थी। इसमें करीब 600 लेबर के ग्रुप्स थे और ये सभी राज्यों में फंसे हुए मजदूरों से हमें कॉल्स आने लगे। तो अब लगभग 75 वॉलंटियर्स हैं जो इस स्वान नेटवर्क का एक हिस्सा बन गए हैं। ये स्टूडेंट्स हैं, कुछ फैकल्टी हैं, कुछ एक्टिविस्ट हैं जो दिन रात एक तरीके से संजय जैसे लोगों के की मदद और एक तरीके से बैक एंड कॉल सेंटर जैसा ही बन गए हैं, जहाँ पे हम लोग केवल कॉल्स ले नहीं रहे हैं मगर हम लोग फॉलो अप भी कर रहे हैं। या तो कुछ पैसों की ट्रांसफर किया जाता है या उनको किसी स्थानीय संस्था या प्रशासन के साथ उनको जोड़ने का काम किया जाता है। तो ये लगभग पिछले मतलब 21 दिन तो हो ही गए हैं अब लॉकडाउन से, अब ये सेकंड फेज चल रहा है, तो लगभग 4 लाख के आसपास रुपए इन छोटे छोटे किश्तों में हम लोग ने बांटने का प्रयास किया है। और इसके अलावा हम लोग सरकार के साथ तालमेल बनाकर भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये स्वान नेटवर्क हुआ और इसी स्वान नेटवर्क ने कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जो शायद आप कुछ लोगों ने देखा होगा और या हम लोग इस लोकतंत्रशाला की साइट पर भी पोस्ट कर देंगे इस चर्चा के बाद। तो इसमें से दो अनुभव निकल के आ रहे हैं कि स्टेट का क्या रिस्पांस रहा है। तो और स्टेट का क्या रिस्पांस रहा है, एक तो कागज पे क्या रिस्पांस रहा है, एक है जमीनी तौर पर। तो एक और इनिशिएटिव है जिसमें काफी सारे रिसर्चर और लॉयर्स एक्टिविस्ट भी इसमें जुड़े हैं, जिसमें हम लोग ने ये लॉकडाउन के अनाउंसमेंट के बाद सारे जो स्टेट के ऑर्डर्स हैं उनको कंपाइल करने का प्रयास किया है। ये अब एक वेबसाइट पे उपलब्ध है। इसमें आज की तारीख, आज सुबह की के समय पर 430 ऐसे ऑर्डर्स जारी हुए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर्स और स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर्स। इसमें से अगर हम लोग देखें तो फूड या पीडीएस रिलेटेड ऑर्डर्स 120 हैं, पेंशन रिलेटेड ऑर्डर्स 13 हैं, इनकम जिसमें नरेगा भी शामिल है उसमें 48 ऑर्डर्स हैं। इसमें BOCW जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का सेस जो दिया जाना है एज सपोर्ट, उसमें ये शामिल है। किसानों को लेकर 19 ऑर्डर्स हैं, प्रवासी मजदूर को लेकर 34 ऑर्डर्स हैं। इस प्रकार से हम लोग ने कैटेगराइज करके अलग अलग ऑर्डर्स का, पहले हमने केवल इसको एक जगह में उपलब्ध कराने का काम किया है ताकि जो फील्ड में, जो राज्यों में, जो जिलों में, जो गांव में काम कर रहे हैं वो इस ऑर्डर्स
को उपयोग में लाते हुए ये देख पाए कि वो ऑर्डर्स इम्प्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो दूसरी बात जो स्वान नेटवर्क में स्वान नेटवर्क के काम से ये हमें देखने को मिला है कि स्टेट रिस्पॉन्स काफ़ी वेरिएबल है। कुछ स्टेट्स में काफ़ी प्रोएक्टिव कुछ ऑफिशियल्स मिले हैं। ये कुछ ऑफिशियल्स हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे एक्टिव हैं और कुछ हैं जो डिस्ट्रिक्ट या एसडीएम लेवल पे एक्टिव हैं। तो जैसे कि अगर हम लोग हरियाणा की बात करें, वहाँ पे कुछ जगहों में सोनीपत जहाँ पे लेबर क्लस्टर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, लाखों में वहाँ पर लेबर हैं जो कंस्ट्रक्शन और रियल इस्टेट के कंस्ट्रक्शन के काम में जुड़े हुए हैं, वहाँ पे कुछ एसडीएम्स का काफ़ी प्रोएक्टिव रिस्पॉन्स रहा है। कुछ जगहों में जैसे कर्नाटका में प्रिंसिपल सेक्रेटरी के लेवल पे एक प्रोएक्टिव रिस्पॉन्स रहा है। बिहार सरकार में एक नोडल ऑफिसर हैं जो डिजास्टर मैनेजमेंट को संभाल रहे हैं, वो हमारे कुछ जो केस बाय केस बेसिस पे एक तरीके से अभी जानकारी का भी काफ़ी अभाव है। तो अगर हम लोग केसेस उनको भेज रहे हैं, हम लोग को पूरी तरह से यही नहीं पता है कि सरकार ने अभी क्या क्या योजनाएं लागू की हैं जो हमें ऐसे पर्सनल कम्युनिकेशन के थ्रू पता चल रहा है। तो ये सबसे पहले ये है कि एक तो इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री है और दूसरा है कि रिस्पॉन्स भी जो है, जो इम्प्लीमेंटेशन है, क्रियान्वयन है, वो भी काफ़ी वेरिएबल रहा है। तो इसमें मैं शायद एक या दो इनिशिएटिव्स के बारे में बात करना चाहती हूँ जो मुझे लगा कि दूसरे राज्यों में भी शायद होना चाहिए। तो क्योंकि हम लोग प्रवासी मजदूर के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक दो राज्यों ने, खास करके बिहार राज्य ने दो हफ्ते पहले, काफ़ी वो ये पहला राज्य था जिन्होंने प्रवासी मजदूरों के सपोर्ट के लिए एक कैश ट्रांसफ़र शुरू किया था, जिसमें 1,000 रुपये किसी भी प्रवासी मजदूर के खाते में डाले जाने का वादा किया था बिहार सरकार ने। और इसमें एक तरीके से बहुत कम कंडीशंस लगाए गए थे कि आपको केवल आधार और एक सेल्फी, जो पहले हमें लगा कि बहुत ही अजीब और एक अननेसेसरी कंडीशन है, मगर शायद आप लोगों को लेटेस्ट आंकड़ा है कि करीब 9,00,000 लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड करके अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है और 9,00,000 गुना 1,000 रुपये, मतलब 90 करोड़ रुपये बिहार सरकार ने ऐसे प्रवासी मजदूरों के खातों में डाला है। ये ज़रूर है कि काफ़ी परेशानी भी हो रही है, कुछ लोग इस पर रजिस्टर नहीं कर पा रहे, मगर ये एक बहुत अच्छी पहल है प्रवासी मजदूर के वेलफेयर के लिए। मगर हम ये देख रहे हैं कि जो राज्य हैं जो प्रवासी मजदूर से बेनिफिट कर रहे हैं, जैसे हरियाणा, जैसे महाराष्ट्र, जो शहर है वो इन प्रवासी मजदूरों के कंधों पर बना है, इन राज्यों ने अभी तक कोई पहल नहीं ली है और इनका रिस्पॉन्स काफ़ी एक तरीके से बहुत ही इनएडिक्वेट रहा है। मैं अभी गुड़गांव से बात कर रही हूँ और गुड़गांव में हम ये देखेंगे कि गुड़गांव जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन भी है, वो पूरी तरह से संगठन और गैर सरकारी संस्थाओं के बल पर ही लोगों को खाना और राशन पहुंचाने का काम इन गैर सरकारी संस्थाओं पर ही निर्भर है। प्रशासन ने, जैसे मुकेश ने कहा, प्रशासन ने यहाँ पे भी पल्ला झाड़ लिया है, कहा है कि ये एक बिजनेस हब है और यहाँ पे बहुत सारे धनी मनी लोग हैं, ये ही गरीब और प्रवासी मजदूर तक खाना पहुँचाने का काम करेंगे। तो ये भी हम ये कहना चाह रहे थे कि ये जो पूरे कोरोना से संबंधित लॉकडाउन का जो दौर रहा है, इसमें हम ये देख रहे हैं कि जिस तरीके से प्राइवेट, मतलब इंडिविजुअल्स, सिटीजन ग्रुप्स, कलेक्टिव, सिविल सोसाइटी का जो रोल रहा है, ये डेफिनेटली एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस कहा जा रहा है। ये ऐसे क्राइसिस, मतलब एवरीडे क्राइसिस तो सदियों से चल रहा है और ये जो हमें देखने को मिल रहा है, ये एक थिन सोशल सिक्योरिटी कवर के कारण से ऐसे वनरेबिलिटी और इनसिक्योरिटी की स्थिति आज बनकर हमारे सामने पेश है। मगर इस वक्त में भी हम देख रहे हैं कि जो सरकार का जो रीच है वो काफ़ी, मतलब जितना होना चाहिए उससे काफ़ी कम है। तो मैं बस यहीं पे बात रखूं छोड़ूंगी और इसके बाद सवाल जवाब के समय में और जोड़ना चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आनंदिता, आपने स्वान के काम के बारे में बताया और सर बहुत खास तौर से जो बहुत मुख्य बात आपने कही कि 430 ऑर्डर कुल मिला के, सब केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिला के 430 ऑर्डर निकले हैं और इनमें से राशन का 120 और प्रवासी मजदूरों का 34। लेकिन जो जमीनी स्तर की सच्चाई है, किसी को ऑर्डर का कोई नामो निशान नहीं पता, कई लोगों को
जिसको पता भी है तो वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो ये यहाँ पे कहीं पे सरकार की जवाबदेही पर भी सवाल उठता है, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अविनाश से हम दरख्वास्त करते हैं कि अविनाश आप जरा बताएं कि आप दिल्ली में बहुत दिनों से ये रिलीफ का काम कर रहे हैं और आपके अनुभव को जरा 5-6 मिनट में आप जरा बताएं। राजेंद्रन थैंक यू। मेरा नाम अविनाश है और मैं दिल्ली में अलग अलग संगठनों के साथ मिलके ये काम कर रहा हूँ पिछले 2 महीने से। और 2 महीने में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये रिलीफ का काम हमने स्टार्ट किया था दंगे के जस्ट बाद, दिल्ली में जो एक इलाके में दंगा हुआ वहाँ पे, तो वहाँ पे हम काम कर ही रहे थे और उस बीच में फिर ये लॉकडाउन और कोरोना के कारण जो एक तालाबंदी हुई है, तो इसमें एक संख्या और उम्र के आया जिनको मदद की जरूरत थी। तो इसमें दो चीज है जो मैं रखना चाहता हूँ कि एक तो एरिया जहाँ पे राइट हुए थे वहां पे दिक्कत आज भी ये है कि वो लोग उससे उभर नहीं पाए थे, और दूसरा फिर ये तालाबंदी है जो कि एक बहुत बड़ा कहर बरपा रहा है उस इलाके में। लोगों के पास पहले से ही रोजगार नहीं था और अब तो और नहीं, और उनके पता नहीं कि कब तक उनको रोजगार नहीं मिलेगा। और वहां पे जो रिहैबिलिटेशन या जो सरकार के दावे थे कि उनके पुनर्वास के लिए जो योजनाएं जो क्रिया स्टार्ट किया गया था वो सब कुछ बंद हो गया, मतलब उस पर अब किसी का कोई ध्यान ही नहीं जा रहा। तो वो एक इलाका है जो कि पूरे तरीके से कटा हुआ है सरकारी सहायता और बाकी सारी चीजों से, और वहां पे अब संस्थाएं भी, चूंकि दिल्ली में जितनी संस्था वहां पे जा रही थी अब वो लोग भी उतना ज्यादा वहां पे सपोर्ट नहीं कर पा रही है, लोगों के बीच में नहीं जा पा रही है क्योंकि बहुत सारे जगहों से अलग अलग डिमांड्स आ रहे हैं, लोग फंसे हुए हैं। तो वो एक एरिया है जहाँ पे रिलीफ का काम की बहुत ज्यादा जरूरत है। दूसरा, लॉकडाउन के बाद दिल्ली में जो कंडीशन है कि दिल्ली के अलग अलग झुग्गी में अलग अलग इलाकों में जो लोग फंसे हुए हैं बाहरी प्रवासी मजदूर हैं, और जो यहाँ पे जो डेली वेज वर्कर जो दिहाड़ी मजदूर हैं उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, उनके पास बहुत ज्यादा समस्या है, पीने के पानी की बहुत ज्यादा समस्या है, उनके पास घर से बाहर जाके कुछ खरीद के लाने की बहुत समस्या है। कुछ लोग तो ऐसे जिनके पास थोड़े से पैसे हैं लेकिन मार्केट बंद है या फिर लोग जा नहीं पा रहे, उनके आसपास कोई मार्केट नहीं है, तो वो एक अलग समस्या है वहां पे लोगों का। तो ये दो चीज है। इसके अलावा जो झुग्गी है यहाँ पे, कुछ कुछ झुग्गियां ऐसी है जो कि यमुना के अंदर है, यमुना खादर यमुना नदी के अंदर में है, तो वहां पे ना तो सरकारी और ना ही किसी संगठन किसी लोगों के द्वारा वहां पे मदद पहुंच रहा है। अभी हाल ही में 2 दिन में हमें पता चला कि लगभग 400 से ज्यादा ऐसी फैमिलियां हैं जो झुग्गी के अंदर हैं जिनके बीच में कुछ पहुंचा ही नहीं है, और वहां पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कुछ पहुंचा पाए। और सरकार का जो रोल रहा है दिल्ली में वो भी काफी अलग सा है क्योंकि सरकार ने बोला तो कि वो सभी लोगों को राशन मुहैया करवाएगी जो लोग हैं वहां पे, जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं, लेकिन दिक्कत उसमें ये आ रही है कि सरकार ने एक लिंक साझा किया जिसके थ्रू लोगों को अप्लाई करना था, और उस लिंक के आधार पे लोगों को अपना एक आधार कार्ड नंबर और अपने फैमिली का ग्रुप पिक्चर डालना था, जो कि काफी डिफिकल्ट है उन लोगों के लिए जिनको स्मार्टफोन यूज नहीं करना आता या फिर जिनके पास फोन ही नहीं है। दूसरा, उसके साथ साथ दूसरी प्रॉब्लम यह है कि जो लोग अप्लाई कर भी रहे हैं शायद इतने ज्यादा एप्लीकेशन आए कि वो ऐप ही यूज होना बंद हो गया, मतलब वो काम करना बंद कर गया। तो बहुत सारे लोग ऐसे जिन्होंने अप्लाई किया भी है तो उनको कुछ मिला नहीं है। 11 तारीख से लोगों ने एप्लीकेशन फिल किया था और अभी तक उनको राशन नहीं मिला है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, और हमारे पास जो रोजाना लगभग कॉल आ रहे हैं रोजाना अलग अलग इलाकों से, लगभग 1000-2000 लोग ऐसे हैं जो लोग बोलते हैं कि हमें खाना ही नहीं मिला, जो हमें पता चल पा रहा है। वहीं पे सरकार का दावा था कि सरकार ने लगभग 500 से ज्यादा स्कूलों में बने हुए खाने का इंतजाम किया है। इसके अलावा सरकार ड्राई राशन लोगों के बीच में दे रही है, लेकिन उसकी हकीकत यह है कि सरकार जो खाना दे रही है उसमें वो सारा खाना जो नंबर है वो नंबर अलग अलग समाज संस्था और अलग अलग जो इंडिविजुअल्स हैं वो जो दे रहे हैं उस नंबर को कैलकुलेट करके सरकार ये प्रोजेक्ट कर रही है कि उतना खाना दे रही है। और उसका तरीका ये है कि हर दिन पुलिस ऑफिसर से या फिर जिन्होंने पास इशू किया है उनसे लिया जाता है इंफॉर्मेशन कि कितने लोगों को आपने खाना दिया है और कितना ज्यादा आपने खाना वितरण किया है इस वीक में। तो उससे वो जायजा लगा करके वो बता रही, सरकार ये दावा करती है कि इतने लोगों का खाना उन्होंने एक वीक में दिया है या फिर आज इन्होंने इतने लोगों को खाना प्रोवाइड किया है। इसके अलावा जो दूसरी चीज है वो है कि जो खाना मिल रहा है लोगों को उस खाने की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है कि लोग उसको खा सके। लगातार एक ही तरीके का खाना एक ही चीज भेजा जा रहा है
और बहुत ज्यादा खाना जो है वो वेस्ट हो जाता है, क्योंकि वो खाना की क्वालिटी बहुत खराब होती है और लोगों तक पहुंचते पहुंचते वो खाना खराब हो चुका होता है गर्मी के कारण। तो ये दिक्कत जो दिल्ली में आ रहा है, ड्राई राशन में जो सरकार दावा करी कि ड्राई राशन दे रहे हैं, ड्राई राशन में सरकार का अभी तक का तरीका रहा है उसमें सरकार 4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल हर एक व्यक्ति के हिसाब से एक फैमिली में दे रही है। अब लोगों के सामने दिक्कत यह है कि अगर उन्हें गेहूं मिल रहा है तो गेहूं से आटा कैसे बनवाए, मतलब क्योंकि मिल तो सारे बंद है, तो वो लोग क्या करें। और अगर मिल में जा भी रहे हैं, कुछ जगहों पे जहाँ पे मिल खुले हुए हैं गलियों के अंदर, 1 kg गेहूं पीसने का जो दाम है लगभग 10 रुपये या 15 रुपये kg गेहूं का वो ले रहे हैं, तो लोगों के पास पैसे नहीं है, लोगों के पास काम नहीं है कि वो उसका पैसा दे सके, तो इस तरीके की दिक्कत है। और अभी कल ही मतलब हम लोग जहाँ पे राशन दे रहे थे और उसी इलाके में पता चला कि 2 मजदूर ने सुसाइड कर लिया क्योंकि उसके पास खाना नहीं था और वो अपने बच्चों को खाना नहीं खिला सकते थे। तो ये कंडीशन जो है और बढ़ता ही जा रहा है और अभी भी हमें नहीं पता और सरकार के सिस्टम से ये पता नहीं चलता कि सरकार का तरीका क्या है और किस तरीके से वो अभी इसको मैनेज करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक कोई एक सिस्टम नहीं है जहाँ पे लोग दिल्ली में रीच आउट कर सके गवर्नमेंट को कि हमारे पास खाना नहीं और आप हमें खाना दे दीजिए। अभी भी लोग डिपेंडेंट हैं, तो कुछ इंडिविजुअल्स या जो नंबर उनके पास तक पहुंचे हैं, कोई एक सेंट्रलाइज नंबर नहीं है। एक कमेटी बनी थी दिल्ली में जिसमें सामाजिक संस्था से कुछ अलग अलग लोग थे, लेकिन उन संस्था के जो लोग हैं जैसे विल्सन हैं, प्रकाश जी हैं, जो साथी हैं, उन लोगों को नहीं पता कि हम किस तरीके से इसको कर सकें, मतलब किस तरीके से हम ये प्रोवाइड करें। और गवर्नमेंट के अधिकारियों को भी नहीं पता कि वो कहाँ से राशन या बना हुआ खाना लोगों को प्रोवाइड कर सके। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है यहाँ पे जो सामने आ रही है दिल्ली में। बहुत शुक्रिया अविनाश। चारों तरफ से जो खबरें आ रही हैं, जिस तरीके का जो मुकेश ने कहा राजस्थान से, जो संजय कह रहे हैं बिहार से, जो अविनाश कह रहे हैं दिल्ली से, और अनिंदिता जो कह रही है हरियाणा से और दूसरे राज्यों से, कहीं से भी कोई ऐसी खबरें नहीं आ रही है, कोई ऐसी सूचना नहीं आ रही है जिससे हमें कहीं पे एक आशा दिखे। तो क्या हम आशा की तरफ बढ़ने से पहले मैं जरा संजय से एक आध सवाल और पूछना चाहूंगा। संजय, आप ये बताएं, आप तो प्रवासी मजदूरों के बारे में आपने बहुत बताया कि उनकी क्या दिक्कतें हैं, क्या मुश्किलें हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि बिहार के अंदर जो मान लीजिए मुजफ्फरपुर शहर में है या फिर गाँव में है, वहां पे राशन की क्या स्थिति है, वहां पे क्या लोगों को पर्याप्त राशन मिल रहा है, और अगर मिल रहा है तो साबुन वगैरह के लिए लोग क्या कर रहे हैं, जरा उस पे बताइए। और साथ ही उसके साथ ही जुड़ा हुआ सवाल है कि अभी तो बायोमेट्रिक अगर हम करेंगे तो इससे तो ये कोरोना का वायरस जो है वो तो छूने से फैलता है, तो इस स्थिति में क्या बिहार राज्य में क्या बायोमेट्रिक अनिवार्य है, अगर नहीं है तो फिर लोगों को राशन किस तरीके से दिया जा रहा है, और मनरेगा की क्या स्थिति है, जो मनरेगा मजदूर हैं उनकी क्या स्थिति है, इन तीन चीजों पर आप जरा अगर प्रकाश डालेंगे तो अच्छा रहेगा। संजय, आपको आप म्यूट में हैं संजय। नवाज, मेरे ख्याल से आपको संजय को अनम्यूट करना। हाँ जी, चाहे बिहार के वो शहर का बात हो या गांव का, राशन के मामले में क्या है कि अभी 99% भी नहीं है, या 100% की तो छोड़ दीजिए, 95% लोगों के पास भी राशन कार्ड नहीं है। और इस तरह से जिनके राशन कार्ड है उनको राशन मिल रहा है, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है वो भी बहुत गरीब है, उनको तो राशन नहीं मिल रहा है, तो उनकी स्थिति तो और भी खराब है। जिनके पास राशन कार्ड है उनको तो राशन मिल रहा है, वो पर्याप्त नहीं है, क्योंकि एक आदमी को 5 किलो मिल रहा है और अभी जो उनको डबल किया है 10 किलो मिल रहा है, लेकिन उनके घर में 10 लोग हैं जिसमें से राशन कार्ड में उनके 5 लोगों का ही नाम है, 5 का है ही नहीं उसके घर में भी नाम, उस कार्ड के अंदर से भी छूटे हुए हैं लोग, तो उनको राशन तो नहीं मिल पा रहा है, और जिनको मिला है उसमें से वो सब बांट के खाते हैं। जिस घर में बिल्कुल ही राशन कार्ड नहीं है उनको तो मिल ही नहीं रहा बिल्कुल, तो वो समस्या में तो है, काफी समस्या में है लोग। यहाँ पे थोड़ी सी राहत मिली है, जिन जो गेहूं की फसल हुए है खेत में, तो मजदूर अपने किसी के खेत में जाकर के फसल काटे हैं, गेहूं थोड़े बहुत उनके मजदूरी में जो मिली है गेहूं, उस गेहूं से वो घर चला पा रहे हैं। सब्जियां भी नहीं मिल पा रही है तो वो गेहूं को ही बेच के वो कुछ सब्जी भी ले पा रहे हैं, और गेहूं का जो आटा बनाता है पिसाने के लिए आटा चक्की में भेजते हैं,
उसी गेहूं को बेच के ही वो आटा पिसाने के पैसे भी इकट्ठे करते हैं, या दुकान वाले को बोलते हैं कि आप इतने गेहूं ले रख लीजिएगा इतने, और उसके बदले में हमें आटा देना है पीस करके आपको। तो इस तरह से चल रहे हैं यहाँ पे गांव के अंदर में राशन के मामले में। और हम लोगों ने काफी कोशिश किया है कि बिना राशन कार्ड वाले को भी राशन मिले, कोई एक दिखा के कि ये आदमी के पास राशन कार्ड नहीं है, कोई प्रूफ दिखा के भी जो भी है, लेकिन ऐसा कोई सुन भी नहीं रहा है। मैंने अधिकारियों को भी बताया है, यहाँ के लोगों को भी बताया है, यहाँ के जो अधिकारी लोग लोकल होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं, सबको बताया है, लेकिन इस पे कोई जवाब भी नहीं दिया उन्होंने, कुछ बोला ही नहीं कि हम देंगे कि नहीं देंगे। और तो ये स्थिति है राशन की। दूसरा जो मनरेगा का यहाँ पे स्थिति है, मनरेगा का देखिए, अभी हर नए साल पे, हर जो सरकारी वर्ष होते हैं, नया वित्तीय वर्ष, हर साल मनरेगा कानून में स्पष्ट है कि अगर आपको काम करना है तो आप डिमांड कीजिए, काम मांगिए और हम देंगे, कानून कहता है ये। लेकिन जब ये साल शुरू हुआ था, शुरू होने से पहले तो लॉकडाउन हो गया था, तो काम मांगने का मौका नहीं मिला हम लोगों को, किसी भी मजदूरों को काम मांगने का मौका ही नहीं मिला कि हमें नरेगा में काम चाहिए। जबकि यहाँ पे हमारे इलाके में, मुजफ्फरपुर का जो इलाका है, वो लगभग लगभग जो गांव है वो मनरेगा पे डिपेंड है। मनरेगा में वो काम करते हैं, वो उसी मनरेगा के पैसे से अपना घर चलाते हैं, और वो मनरेगा का काम मांगने का मौका ही नहीं मिल रहा है। और मजदूर, अभी नया साल चालू हो गया है, मजदूर पूरा परेशान है कि हमें काम मिलेगा तो कैसे। हम लोग अधिकारी को भी चिट्ठी लिख रहे हैं कि आप मनरेगा का काम चालू कराइए, अभी हम लोग आपके पास भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, आप मुझे जाने भी नहीं दे रहे ऑफिस में, तो हमारा डिमांड कैसे होगा, आप हमारे बताइए रास्ता कोई कि हम काम कैसे मांगेंगे, आप कोई तो रास्ता बताइए। इस पर भी अभी तक कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया है। कई दिनों से हम यही कोशिश कर रहे हैं कि यदि वो काम चालू हो जाए, और काम चालू होने से पहले सरकार बोलेगी कि हमारे पास आप डिटेल दो कि किनको काम चाहिए, उनका क्या निबंधन है, जॉब कार्ड नंबर क्या है, तो हमारे पास टाइम तो देंगे ना, हम बोल तो सकते हैं, लेकिन वो भी मौका नहीं दिया जा रहा है, हमें वहां तक पहुंचने भी नहीं दिया जा रहा है, और ना उनके अधिकारी किसी गांव में आ रहे हैं कि चलो आप काम करना चाहते हो तो आप बताओ, अपना नंबर बताओ या अपना बैंक अकाउंट बताओ, हम आपको काम दे रहे हैं। तो ये इस तरह से नरेगा का काम हमारे इलाके में पूरा तरह से बंद हो चुका है, और हम लोग इंतजार में है कि कब खुलेगा, क्योंकि हजारों लोग यहाँ पर मनरेगा के लिए का संघर्ष करे हैं, और वो मनरेगा से काम करके अपना परिवार चलाते हैं, महिलाएं, बहुत सारे महिलाएं हैं जो इसी के ऊपर हैं, बहुत सारे मजदूर, और अभी तो जो बाहर से प्लान करके वापस आए हैं, जो बिहार के मजदूर बाहर गए हुए थे वापस अपने गाँव में आए हैं, वो लोग भी अब चाह रहे हैं कि हम गांव में यहाँ पे रह के क्या करेंगे, तो उनको भी मनरेगा की बहुत जरूरत है इस टाइम। उनके पास तो जॉब कार्ड भी नहीं है, तो उनको जॉब कार्ड भी बनवाना पड़ेगा, उनको काम दिलवाना पड़ेगा। तो जो पहले हम लोग काम कर रहे थे मनरेगा में 4-5 साल से या 10 साल से, जो भी संघर्ष करके, उसके अलावा नए लोग जो बाहर से आए हैं मजदूर, उनको काम चाहिए, तो हमारे यहाँ डबल संख्या है काम करने वाले मजदूरों की, लेकिन काम का कोई स्थिति नहीं है इस पे। गंभीरता से सोचने वाली बात है। 29, मैं इस पर जोड़ना चाहूंगा जो संजय ने कहा उस पर, कि 29 मार्च को गृह मंत्रालय से एक आदेश निकला था, जिसके तहत वो लिखा हुआ था कि जो भी मालिक हैं इस वक्त, इस दौरान, तालाबंदी के दौरान जब काम बंद है, तो मालिक को पूरा पैसा, जो जितना पैसा कमाते थे वो पूरा पैसा सारे मजदूरों को देना पड़ेगा। ये 29 मार्च को गृह मंत्रालय से एक आदेश निकला था, और यहाँ पे मनरेगा का बहुत एक मुख्य, मैं तो कहूंगा एक रोल है, कि मनरेगा जो है उसका वो काम देने वाला कौन है, वो तो केंद्र सरकार है, क्योंकि सारे जो मजदूर के पैसे मनरेगा में आते हैं वो केंद्र सरकार की तरफ से आते हैं। तो जब गृह मंत्रालय से आदेश निकला है कि दूसरे मालिक अपने मजदूरों को पैसा दें जब तालाबंदी हो रहा है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर भी ये बहुत अहम तरीके से उन पर ये सवाल आता है कि वो क्यों नहीं मनरेगा मजदूर को तालाबंदी के समय पूरा मजदूरी दे रहे हैं, उनको देना चाहिए। अगर दूसरे लोग से वो उम्मीद करते हैं कि दूसरे मालिकों से वो उम्मीद करते हैं कि वो मजदूरों को पैसा दें, तो वही चीज अपने आप पर क्यों ना लागू हो। केंद्र सरकार को तुरंत अपने तरफ से सारे मनरेगा मजदूरों के खाते पर पूरी मजदूरी अभी ट्रांसफर करना चाहिए, ताकि दूसरों को जो वो पूछ रहे हैं वो अपने पर भी वो लागू हो। तो ये मेरे एक एक छोटी सी टिप्पणी मैंने जोड़ी है जो संजय ने कहा था मनरेगा के बारे में। मैं आनंदिता से एक सवाल पूछना चाहूंगा। एक तो पहले ये बताइए कि दो चीजें, एक तो वित्त मंत्री ने, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन जी ने जो अनाउंसमेंट किया था फाइनेंशियल रिलीफ पैकेज का, क्या आपकी नजर में वो
वो कैसे आपको क्या दिख रहा है कि वो ठीक है कि ज्यादा है कि कम है, पहला तो वो सवाल। उसके साथ ही जुड़ा हुआ सवाल ये है कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा था कि जब मजदूर को दो वक्त का खाना मिल रहा है तो पैसे की क्या जरूरत है। आपका जो अनुभव रहा है इतने दिनों से जो काम कर रहे हैं, उस पर आप जरा थोड़ा प्रकाश डाल सकते हैं इन दोनों चीजों पर खास करके फिलहाल? जी, तो इस पे काफ़ी बात हो चुकी है और मैं इसमें केवल दो बात शायद दोहराना चाहूँगी कि जो 1.7 लाख का जो पैकेज था, इसमें आई थिंक ये काफ़ी अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश हो गया है कि इसमें नया पैसा करीब आधा था, आधा इसका पुराना पैसा ही था, मतलब ऑलरेडी एलोकेटेड प्रोग्राम्स के लिए का जो पैसा है उसी को आपने रिलीफ पैकेज का एक नाम देकर आपने उसको एक तरीके से रीपैकेज किया है। सबसे पहले पहली बात ये है, तो वो एक इनएडिक्वेसी ऑफ एलोकेशन पे तो काफ़ी लोगों ने और बड़े अर्थशास्त्रियों ने भी ये बात रख दी है, तो हम कौन है कहने के लिए। तो सबसे पहली बात ये है। दूसरा है कि कुछ एक दो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, जैसे कि क्योंकि मैं बिहार में ज़्यादा काम करती हूँ तो मैं वहाँ के ऑर्डर्स को काफ़ी डिटेल में पढ़ रही थी, और जैसे ये जो 5 किलोज का एलोकेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट के रिलीफ पैकेज में था कि एडिशनल 5 किलोज NFSA के राशन कार्ड होल्डर्स को दिए जाएंगे, ये इसमें क्या हो रहा है कि राज्यों में इनको दिक्कत हो रही है क्योंकि वो 3 महीनों का 5 किलो अनाज, एक्स्ट्रा 5 किलो अनाज FCI से दे दिया गया है राज्यों में, मगर राज्यों में ये दिक्कत हो रही है कि उन्होंने राशन जो केवल NFSA के राशन कार्ड होल्डर से बढ़ाकर, उन्होंने राशन कार्ड धारियों की संख्या बढ़ाकर वो लोग PDS का क्रियान्वयन कर रहे हैं, तो जो अनाज सेंट्रल गवर्नमेंट से आया है वो राज्यों के लिए कम पड़ रहा है, तो वो जो 3 महीने का अनाज है वो उसको 1 महीने में ही उसको उसका वितरण कर रहे हैं। तो एक मतलब एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है कि जो सेंट्रल रिलीफ पैकेज है ये बहुत ही इनएडिक्वेट है, और इसमें ये जो उन्होंने 3 महीने का कहा है वो 1 महीने में ही शायद पूरा खत्म हो जाएगा अगर हम लोग पूरे कवरेज को देखें जो स्टेट्स ने बढ़ा के किया है, जो जो कि जो होना चाहिए, ये एक्चुअली एक आइडियल सोशल सिक्योरिटी कवर जो होना चाहिए वो इस तरीके से होना चाहिए, ना कि जो सेंटर का एलोकेशन और कवरेज है। और ये वर्क वेजेस और फूड की जो बात है, इस पे हम लोग देख रहे हैं कि बार बार जो हमें खास करके प्रवासी मजदूर, मगर ये ज़रूर ग्रामीण क्षेत्रों में भी लागू होगा कि जिनका काम पूरे तरीके से रुक गया है, जो कमाने खाने वाले लोग हैं, जो बाहर बार बार कहते हैं कि ये डिग्निटी की बात है, ये लोग हैं जो रोज़ कमाते हैं और खाते हैं, और इनको अब आपने एक रिलीफ सेंटर पे बुलाने का काम कर दिया है। आप उनको कह रहे हैं कि या तो हम आपको राशन देंगे या आप आके यहाँ पे पका पकाया खाना खाइए, खिचड़ी खाइए। इससे अगर इसको एक डेफिनेटली ये एक स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई भूखा ना जाए, मगर केवल भूखा ना जाए ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी और कमिटमेंट है अपने लोगों को, ये बिल्कुल एक अनएक्सेप्टेबल है एक डेमोक्रेसी में 2020 में कि हम कह रहे हैं कि केवल भूख की स्थिति ना हो। इसके अलावा लोगों को पैसे चाहिए ताकि वो खुद अपने घर में, जैसे वो हमेशा करते गए हैं, अपने अपने घरों में खाना पकाएं और अपने बच्चों को खिलाएं, तो गैस के लिए, दवाइयों के लिए, ये केवल अपने केवल दाल और चावल से पेट और एक तरीके से गुजारा नहीं होता है। तो इसीलिए जो भी मजदूर हमें फोन करते हैं वो कहते हैं कि ठीक है पका पकाया भोजन एक बार दिन में चाहे दो बार दिन में भी मिल जाए, मगर हमें हाथ में कुछ तो पैसों की जरूरत है डेली नीड्स के लिए। ये आप और हमारे लिए जो रूल्स अप्लाई करते हैं या हमारी जो ज़रूरतें हैं, ये उनकी भी ज़रूरतें हैं। हो सकता है कि उन 40,000 उनको महीने में नहीं मिल रहा है, मगर उनको डेली उनके डेली नीड्स के लिए कैश लिक्विडिटी उतना ही ज़रूरी है जैसे आप और मेरे लिए। बहुत शुक्रिया अनिंदिता। मैं इसी चीज़ को, अनिंदिता ने दो बहुत मुख्य बातें कही हैं, एक तो गरिमा की बात कही है जो मेरे ख्याल से अविनाश ने भी उठाया था और मुकेश ने भी उठाया था, कि लोग पुलिस के पास, जब राजस्थान में मेरे ख्याल से मुकेश ने बताया था कि जिस तरीके से लोग पुलिस के पास जाके खाना ले रहे हैं या फिर जिस तरीके से पुलिस बर्ताव कर रही है, ऐसा लग रहा है कि कोई भिखारी को खाना दे रहे हैं क्योंकि उनके पास कुछ हो नहीं। वैसे ये तो एक मुख्य सवाल है कि हिंदुस्तान में आज भिखारी क्यों हैं, क्या हमारा ढांचा ही कहीं पर हमने जिस तरीके से हमारे संविधान में लिखा गया था उसको हमने ठीक तरीके से उसका पालन नहीं किया है इतने सालों से, जिसकी वजह से हमारे हिंदुस्तान में आज इतने सारे संख्या में भिखारी हैं जिनके पास कोई घर नहीं है। तो गरिमा, ये जो गरिमा की बात है ये बहुत जरूरी है कि कहीं पे
गरिमा एक वर्ग के साथ इसका एक जुड़ा हुआ है, गरिमा कहीं पे जाति के साथ जुड़ा हुआ है, गरिमा कहीं पे मजहब के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो मुकेश, मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा कि आपने भी बताया था कि लोगों की गरिमा पर काफी असर पड़ा है राजस्थान में, तो क्या ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में राजस्थान में कोई आपने फर्क देखा है, जिस तरीके से सरकार और जो नागरिक हैं उन दोनों में जिस तरीके का बातचीत हो रहा है उस पे ग्रामीण और सरकार शहरी क्षेत्र में कुछ अंतर देखा है आपने, जरा उस पर बताएंगे कुछ? एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बेसिकली जिस तरीके का व्यवहार मजदूरों के साथ किया जा रहा है, पिछले 3 दिनों से यूपी की 300 से ज्यादा बसें राजस्थान के कोटा में आई, क्योंकि कोटा कोचिंग संस्थानों का बड़ा हब है। कोटा में आके उन बच्चों को ले गई, क्योंकि वो सारे अमीरों के बच्चे थे। यूपी के मजदूर भी यहाँ हजारों शायद लाखों की तादाद में होंगे, उनको यहीं पे छोड़ दिया गया। तो जिस तरीके से ये अमीर गरीब के आधार पे केवल समाज ही नहीं सरकार भी भेदभाव कर रही है, और ये इसके लिए बिना शायद यूनियन होम मिनिस्ट्री की परमिशन के इस तरीके से 300-350 बस नहीं आ सकती और न वो लेके जा सकती हैं। तो ये एक मुझे लगता है कि हमें इस ऐसे समय में देखना पड़ेगा कि जब सबसे बड़ा संकट है देश के ऊपर और शायद दुनिया के ऊपर, उस स्थिति में भी हमारी सरकारें गरीब के साथ भेदभाव करने में नहीं चूक रही है। तो जिस तरीके से यूपी की सरकार ने किया है, वैसे ही दूसरी जगहों के लोग भी, बिहार की सरकार के भी किसी एक एमएलए के बेटे को लेने के लिए गाड़ी के पास का परमिशन मेरे पास व्हाट्सएप पे आया था। तो जिस तरीके से ये चल रहा है कि मजदूरों को नहीं निकालेंगे, दूसरा एक ये गरिमा के साथ साथ, मतलब गरिमा तो है ही व्यक्ति की, क्योंकि मजदूर हमेशा वो काम करके ही पैसा लेना चाहता है, काम करके ही इतने सालों से, जब से भी चाहे वो जयपुर में रह रहा हो, किसी और शहर में रह रहा हो, वो अपना कमा के ही खाता है। और परिस्थितियां ऐसे बन गई कि अचानक से बंद हो गया, इस वजह से उनके साथ ये परिस्थिति पैदा हो गई है। तो वो भिखारी नहीं है और ना कभी उन्होंने इस तरीके से किया है, इसलिए उनको बुरा लगना भी लाजमी है। और जिस तरीके से पुलिस का रवैया रहता है कि लोगों के लिए, शायद उनके साथ जब ये होगा, किसी भी व्यक्ति के साथ जब होगा, होने लगेगा, तब उनको शायद महसूस होने लगेगा, चाहे वो पुलिस के लोग हों, चाहे अन्य कर्मचारी अधिकारी हों, किन्हीं भी तरह की सरकारों के साथ। तो शहरी क्षेत्र में ये जो गरिमा का जो सवाल है वो शायद ज्यादा है, ग्रामीण क्षेत्र में लोग अभी भी शायद थोड़ा और ज्यादा संवेदनशील है, एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, उस तरीके के लोग हैं, ये स्थिति है। तीसरी एक चीज मैं कहना चाहता हूँ कि अचानक से बंद करने के बाद केंद्र सरकार को, जो जितने भी मजदूर हैं, जो अनंदिता ने भी कहा था कि कम से कम जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे हैं, उनके लिए पैसे की भी आवश्यकता है। उनको टूथपेस्ट चाहिए, उनको बहुत छोटी छोटी चीजें चाहिए, उनको साबुन चाहिए, ये सारी चीजें कहाँ से आएंगी? हम कह रहे हैं आप 20 बार हाथ धो दिन में, लेकिन हाथ तो तब धोएंगे जब साबुन होगा हमारे पास, हाथ तो तब धोएंगे जब हमारे पास पानी होगा, तो पानी नहीं है, साबुन नहीं है। और ये एक तरीके से मुझे बहुत ही, क्या कहूँ, मैं कभी कभी भावुक भी हो जाता हूँ इन सब चीजों को देखते हुए और सुनते हुए, क्योंकि हर रोज ही ये स्थितियां बन रही है। तो केंद्र सरकार ने किसी मजदूर के लिए ये नहीं कहा कि हम इतना पैसा देंगे, हम जनधन खातों में दे देंगे, अब किसका जनधन खाता है, हम इसके लिए दे देंगे रसोई जो उज्ज्वला। हाँ। तो इस तरीके से मुझे लगता है केंद्र सरकार को, एक चीज कह के मैं खत्म कर रहा हूँ, केंद्र सरकार को जरूर जितने भी मजदूर हैं उन सबके लिए कुछ एक पैकेज और उनको पैसे का व्यवस्था करना चाहिए, और सबके लिए ऐसे समय में, अभी ये खाद्य सुरक्षा का आंकड़ा 70% 60% नहीं होना चाहिए देश में, जो भी जरूरतमंद की कोई परिभाषा नहीं होनी चाहिए, जो भी लेना चाहते हैं, जो दुकान तक पहुंच जाए, उन सबको अभी गेहूं मिलना चाहिए और आटे की चक्कियां खुलनी चाहिए। ये सब केंद्र सरकार को करना चाहिए, और राज्य सरकारों को मुझे लगता है कि अपनी सारी मशीनरी लगा के, उनको सबको पैसा मिल रहा है, सबको तनख्वाह, आधा उन्होंने 30% स्थगित किया लेकिन बाद में मिलेगा, सारे लोग बैठे हुए हैं, राजस्थान में 4 लाख टीचर हैं, उनको लगाना चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा संवेदनशील है, वो पुलिस में नहीं है, दूसरे अन्य विभागों के लोग बैठे हुए हैं, उन सारे विभागों के लोगों को लगा के, जो विद्यालय हैं, यहाँ के स्कूल्स हैं, उनको क्षेत्र बनाया जाना चाहिए, जिससे कि, क्योंकि अभी राशन की दुकान पे इतनी भीड़ लग रही है, कितनी राशन की दुकान है जो डोर डिलीवरी कर रही है, नहीं कर रही है, नहीं कर पा रही है, साधनों की व्यवस्थाएं नहीं है, बहुत दिक्कतें हैं, तो इसलिए लोग तो लेने जा रहे हैं। तो इन सब
बारे में भी मुझे लगता है कि थोड़ा सोचना चाहिए, और गरिमा तो है ही, ये गरिमा बेसिकली व्यक्ति अंत में, कभी कभी तो कई लोग ऐसे सोचते हैं कि हम नहीं मांग सकते, हम यहाँ से उठ इंडिया गेट पे नहीं जा सकते। मुकेश, वक्त का ख्याल रखते हुए अभी मेरे ख्याल से थोड़ा लोगों से सवाल हम ले लें तो अच्छा रहेगा। ठीक है, ठीक है। तो नवाज, हम दरख्वास्त करते हैं कि अगर कोई सवाल हो तो आप जरा बताएं ताकि हम सवाल ले सकें। हाँ, तो एक सवाल ये है कि खिचड़ी और राशन तो ठीक है, लेकिन बच्चों के लिए दूध की भी जरूरत है, तो इसके लिए क्या किया जा सकता है, और इसके लिए कहीं पे कोई प्रबंध हुआ है कि नहीं? मैं अनुरोध करूंगा ये अविनाश जरा अगर बताएं कि दिल्ली में क्या इसके लिए क्या स्थिति है, अगर जरा बता सकें तो अच्छा रहेगा। नहीं, हमारे पास डिमांड्स तो हर दिन आते हैं कि बच्चों के लिए दूध या फिर जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनकी जो कुछ खास जरूरतें हैं कुछ दे सके, लेकिन ना तो सरकार की तरफ से और ना ही सिविल सोसाइटी की तरफ से और बच्चों की तरफ से इतना ज्यादा ध्यान दिया गया है, क्योंकि अभी जो तादाद है भूखे रहने वाले लोगों की वो कहीं ज्यादा है। सबसे पहले जो प्रायोरिटी है वो है लोगों तक खाना पहुंचे, चाहे वो किसी भी तरीके में खाना पहुंच रहा है। तो बहरहाल इसके कारण बच्चों की जरूरतें और महिलाओं की जो जरूरतें वो बहुत पीछे हैं, तो उस पर कोई ध्यान अभी तक तो नहीं दिया जा रहा है। अभी कुछ संस्थाएं संगठन है जो बात कर रही है कि बच्चों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए किट तैयार किया जा सके ताकि हम कुछ जगहों पे जाके दे सके, बट वो काफी नाकाफी होगा अगर सिर्फ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ये जिम्मा छोड़ दिया जाए। सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि सरकार किस तरीके से कर सकती है। तो बस इतना कहना। संजय, क्या आप जानते हैं इस बारे में कि बिहार में गांव में या फिर जहां पे दुकानें बंद हैं वहां पे बच्चों के लिए खास करके कोई सुविधा बनाया गया है कि नहीं? संजय, आप म्यूट पर हैं। बच्चों के लिए अभी तक इस तरह का कोई ना कैंप है ना कोई इस तरह का कोई व्यवस्था की गई है, खास करके छोटे बच्चों के लिए इस तरह के कभी कुछ नहीं है। उन्होंने इस पे बच्चों पे तो बात ही नहीं किया है, पहले बात तो मेरे इलाके में और बिहार जैसे जगहों पे बच्चों पे कोई बात ही नहीं किया है। जो भी है सियानों पे ही ज्यादातर बात किया है कि आप बाहर नहीं जाना, बाहर जाओगे तो पुलिस डंडे मारेगी और मार भी रही है। तो कहीं भी चर्चा नहीं हो रहा है कि बच्चों को खाना कैसे देंगे, बच्चों को कहाँ रखेंगे, उनको ये जरूरत देना है, इस पे बच्चों पे अपने अभी तक कोई चर्चा सरकार की तरफ से नहीं देखा है। ठीक है। अनिंदिता, आपके लिए एक सवाल है यहाँ पे कि आपका जो अनुभव रहा है अभी स्वान के साथ, उस पे दो चीजें हैं कि कोई ऐसा राज्य है जिसका जिसके काम से आपको लगा कि वो राज्य जिस तरीके से काम कर रही है वो अच्छा है और दूसरे राज्यों को या दूसरे अफसरों को उसको अडॉप्ट करना चाहिए, उसको लेके उसी पर ताकि कुछ अच्छा काम हो, ताकि अच्छे काम से भी हमें सीखना चाहिए, तो इस पर अगर आप कुछ प्रकाश डालें। और दूसरी बात ये कि अभी तक स्वान में जितने भी सवाल आए हैं, जितने भी मजदूरों से बात किया है, उस पर किसी ने ये पूछा है कि उन पर कोरोना का कोई सिम्टम्स है या फिर उनको कोरोना हुआ है, ऐसा किसी ने बताया है आपके जहन में? तो दूसरा सवाल पहले, हमारी जानकारी में अभी ऐसा कोई केस नहीं आया, हमने पूछा भी नहीं है, तो इसके बारे में हम शायद नहीं कह पाएंगे। संजय राजेंद्रन, आप भी जोड़ सकते। पॉजिटिव केसेस का मैंने पहले भी जिक्र किया था कि, और मैं फिर से ये कहूँगी कि एक तरीके से फिर से बिहार का एग्जाम्पल इसलिए मैं लेती हूँ क्योंकि ये एक ऐसा स्टेट है जिसमें हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि बिहार जैसा स्टेट है जो इनिशिएटिव लेगा इतना, मतलब एक तरीके से तत्परता के साथ भी और एक तरीके से बिना कंडीशंस का भी। तो उनका जो प्रवासी मजदूरों के लिए जो ये कैश ट्रांसफर का है, ये मुझे बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल लगा। इसको शायद कुछ लोग सिनिकल तरीके से भी देखते हुए कह सकते हैं कि ये आपने तुरंत 1,000 रुपये भेज दिए खातों में, ये पॉलिटिकल मूव है, मगर अभी अगर ये पॉलिटिकल मूव है भी तो वो 1,000 रुपये लोगों के खातों में पहुंच रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़रूरी है इस वक्त। दूसरा है, मैंने अभी इस चैट पे मैंने रिप्लाई भी ये किया कि कल राइट टू फूड ग्रुप्स में कुछ तस्वीरें आ रही थी कि तेलंगाना में छोटे छोटे बच्चे ऐसे गोले बनाकर एक लाइन में खड़े हैं 2 मीटर के दूरी पर और उनको अंडे मिल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, कुछ राज्यों में छोटे बच्चों को आंगनवाड़ी और मिड डे मील्स के साथ जो उनका जो पहले से ही जो एंटाइटलमेंट्स थे
जो मिड डे मील का खाना था और उसमें जो अंडे आपको अंडे साथ में मिलने थे, वो अभी भी कुछ राज्यों में, मेरे ख्याल से उड़ीसा में भी और शायद राजस्थान का हमें पता नहीं, मगर उड़ीसा में भी वही मिड डे मील का जो मेन्यू है वो फॉलो किया जा रहा है और बच्चों को खाना मिल रहा है। बहुत शुक्रिया ओनी। मैं ये भी कहना चाहूँगा ओनी ने जो अनिंदिता ने जो कहा उसके साथ जोड़ते हुए कि फिलहाल हम स्वान नेटवर्क की तरफ से जितने भी राज्यों में काम कर रहे हैं उसमें एक अफसर जो कर्नाटक में है उनसे हमें ज़्यादा मदद मिला है दूसरे राज्यों के मुकाबले। महाराष्ट्र में स्थिति सबसे गंभीर है। महाराष्ट्र में हमारे जितने भी टीम के लोग हैं बहुत उनको तकलीफ हो रही है क्योंकि कहीं पर महाराष्ट्र राज्य सरकार से या फिर अफसर से शायद उन्होंने आदेश निकाला हो लेकिन पहुंच पाना ज़रा मुश्किल लग रहा है। तो ये एक दिक्कत हमारे सामने जो पेश आया है। जैसे पहले भी शायद अनिंदिता ने कहा था कि लुधियाना में एक SDM ने हमें मदद किया है, तो इस तरीके से कई कई जगह पे ऐसे हो रहा है कि कुछ एकाद अफसर हैं जो दिल से काफ़ी कुछ करना चाहते हैं और कर रहे हैं लेकिन वो काफ़ी नहीं है। सब चीज़ एक अफसर पर अगर टिका हो तो वो नहीं हो सकता है। ये राज्य पूरे राज्य स्तर में इसको उठाना चाहिए। मैं एक सवाल मेरे ख्याल से मैं अविनाश के लिए यहाँ पे रखना चाहूँगा। अविनाश आप ये बताएं कि कोरोना वायरस आने से पहले भी आपने शुरुआत में ये कहा था कि आप दिल्ली के उत्तर पश्चिमी इलाके में जहाँ पे दंगे फसाद हुए थे वहाँ पे आपने रिलीफ का काम शुरू किया था, तो जब से कोरोना आया है तो दंगे फसाद का जो रिलीफ था वो तो कहीं ना कहीं थोड़ा रुक गया होगा, तो कोरोना के लॉकडाउन के बाद उस पर क्या असर पड़ा है जरा वो बता सकते हैं? ये मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं नहीं बल्कि पूरी तरीके से रुक गया है। तो दंगे के बाद गवर्नमेंट ने एक प्रोसेस स्टार्ट किया था वेरिफिकेशन का कि लोगों का क्या नुकसान हुआ है और उसकी भरपाई किस तरीके से की जाए। उसका एक सेट फॉर्म था जिसके आधार पे ये वेरिफिकेशन किया जा रहा था। लेकिन कोरोना के बाद पूरी स्टेट मशीनरी जो है वो सिर्फ और सिर्फ खाना प्रोवाइड करने या फिर कोरोना रिलीफ में ही लगी हुई है। उस इलाके में तो अभी जो दंगे प्रभावित लोग हैं उनके लिए कुछ खास तौर पे नहीं किया जा रहा है। बहरहाल मतलब खाना और बाकी सारी चीज़ें जो जरूरत की चीज़ें हैं वो थोड़ा बहुत वहाँ पहुँचाया जा रहा है। साथ साथ ये दंगा है, दंगा के बाद जो अभी हाल के कुछ दिनों में जो एक अफवाहें हो रही हैं तबलीगी जमात और मुसलमान के कारण कि मुसलमान लोग जानबूझ किसको फैला रहे हैं, तो उसका असर भी उस एरिया में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। उस एरिया में नहीं, खासकर जो भी एरिया जहाँ पे मुस्लिम आबादी ज़्यादा है वहाँ पे रिलीफ वर्क में इवन कोरोना के लिए काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। मतलब उतनी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन या उतना खाना वहाँ पे नहीं पहुँच पा रहा जितना कि और इलाकों में लोग पहुँचा पा रहे हैं। तो ये एक असर है जो कि आसानी से देखा जा सकता है और ये एक रवैया सरकार की तरफ से भी और चाहे वो पुलिस हो या फिर और भी लोग हों वो सब लोग खुलेआम आके बोलते हैं कि इसमें गलती मुस्लिम कम्युनिटी की है जिसके कारण कोरोना इतना फैला है, तो हमारे लिए प्रायोरिटी पे वो नहीं आता। और इसके कुछ एग्जांपल खासकर जब ऐसे आते हैं सामने कि उत्तर प्रदेश में कुछ हॉस्पिटल ने ये कर दिया कि वहाँ पे मुस्लिम मरीज आ ही नहीं सकते हैं। दिल्ली में भी बहुत जगह मतलब ऐसा हुआ, ऑफिशियली नहीं हुआ है बट अनऑफिशियली ऐसे बहुत सारे वाक्या हैं जहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब स्कूल में खाना वितरण होता है तो मुसलमानों के लिए एक अलग लाइन लगती है और हिंदुओं के लिए एक अलग लाइन लग रहा है खाना देने में। तो वो एक दिक्कत है और जो हम देख सकते हैं क्या किस तरीके से एक पूरा कम्युनिटी जो कि सिर्फ मुसलमान है इसलिए उसको टारगेट किया जा रहा है, उनकी जरूरतों को ताक पर रख दिया गया है। ये मेरे ख्याल से अब तक जितने भी बातें कही हैं सबसे दयनीय बात अभी अविनाश ने हमारे सामने रखी है कि इस तरीके के क्राइसिस के वक्त भी मजहब देखा जा रहा है, यहाँ पे लोगों का धर्म देखा जा रहा है। इससे मेरे ख्याल से ये एक तरीके से देखा जाए तो हिंदुस्तान के इतिहास में ये सबसे ज़्यादा शर्मनाक चीज़ जो है ये हमारे सामने अविनाश ने भी बात रखी है। ये पूरा हमें 1940 के दशक में जिस तरीके से 1930 के दशक में या 20-30 के दशक में जिस तरीके से जर्मनी में यहूदियों के खिलाफ हिटलर ने जिस तरीके से किया था कहीं पर वो हमें वापस दिखने को मिल रहा है कि लोगों में इस तरीके का बंटवारा हो रहा है। ये बिल्कुल गलत है और इस पर हमें इस पर तो किसी भी तरह से हमें हर तरह से हमें मुकाबला करना चाहिए कि आदमी आदमी में फ़र्क ना देखें। और यहाँ पे मैं एक और दो और चीज़ों के साथ मैं पूरे इस
इस सिलसिले इस चर्चे को मैं खत्म करना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं आखिरी में आऊंगा अनिंदिता के पास, मैं संजय से एक और आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा। संजय, अगर आप ये बताएं कि देखिए कई लोगों का ये मानना, तो जैसे आप एक तरह से अपनी तरह से ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि मजदूरों को कनेक्ट करा रहे हैं, यहाँ पे आपको क्या लगता है कि जिस तरीके का रिपोर्ट जो स्वान ने निकाला था उस पर सवाल हो सकते हैं कि आप जो कर रहे हैं ये रिपोर्ट का क्या मतलब है, इस रिपोर्ट से किसको क्या फायदा होगा, तो आप जरा इस पर प्रकाश डाल सकते हैं कि ऐसे रिपोर्ट जो निकले हैं जिससे पता चलता है कि जितने लोगों से भी बात किया था उसमें कितने लोगों के पास एक दिन का राशन था या कितने कितना पैसा था। तो एक तो ये है कि हम 10,000 लोगों से हम मिले हैं, हम बात किए हैं, 10,000 लोगों तक जितना मुमकिन हो हम पहुंच पाए हैं, लेकिन ऐसे रिपोर्ट का क्या फायदा, क्या ये बेकार है? नहीं नहीं, ये बेकार नहीं है पहली बात तो, क्योंकि हम लोग एक जमीनी बात करके उनसे रखा है और जो हमारे पास कॉल आते हैं वो आप उनसे बात करते रहे, टीम बात करती रही है और जो सच्चाई है वही उस रिपोर्ट में है। क्योंकि अभी कोई भी मजदूर ये नहीं कह रहे कि हमारे पास 10,000 रुपये रखे हैं, आप हमें कोई पैसे मत भेजो, हम तो अच्छे से कमा रहे हैं, अच्छे से खा रहे हैं घर में बैठ के, ऐसे अभी तक किसी मजदूरों ने नहीं कहा है, ये बात साफ है। और जैसे मैंने पहले भी कहा है कि जो मजदूर सदियों से काम कर रहा है वहां पे, चाहे वो पंजाब में हो या दिल्ली में हो या हरियाणा में हो, बेंगलोर में हो, किसी भी राज्य में फंसे हो, तो वो मजदूर अपने लिए वहां अपने खर्चों के लिए कोई 20,000 और 50,000 रुपये नहीं रखते अपने पास, वो 200-500 रुपये ही रख के और बाकी पैसे 200-400, 1,000-2,000 वो अपने घर बेचते अपने फैमिली के लिए। और वो 200-400 रुपये जब वो चला पाए, 2-4 दिन 5 दिन चला पाए थे और उसके बाद उनके पैसे खत्म हो गए, उनके मालिक जो है वो स्विच ऑफ कर लिए थे, उनके मोबाइल बंद हो गए उनके मालिक का, मजदूर को बाहर से ताला बंद कर दिया गया था फैक्ट्रियों के बाहर ताकि आप अंदर रहो और बाहर नहीं निकल सकते हो, उस मजदूरों से ये बातचीत किया हुआ रिपोर्ट है। तो इसमें कहीं से किसी तरह से ये झूठा नहीं है, ये मैं साफ साफ बताना चाहता हूँ। एक और चीज, आखिरी सवाल संजय आपसे, कि जब लोगों को पता है हिंदुस्तान में कि गरीबी की संख्या इतना है, इतने लोग गरीब हैं, इतने लोग खा नहीं पा रहे, तो फिर वापस उसको आंकड़ों की तरफ से बताने का क्या फायदा? जब सच्चाई सबको पता है तो फिर आंकड़ों की क्या जरूरत? देखिए सर, मैं ये बताना चाहता हूँ, सरकार का इसमें बहुत पोल भी खुल रहे हैं, क्योंकि जो भी राज्य सरकार का जहां जहां मजदूर फंसे हैं उनकी भी खुल रही है, और बिहार का सबसे ज्यादा, जो इन्होंने शुरू सदियों से यही बोला है कि हम बहुत अच्छे राज्य सरकार चला रहे हैं, हम सुशासन बाबू है चला रहे हैं, और इस टाइम जो स्थिति है कोरोना ने अच्छे से पोल खोल दिया है सरकारों का, कि जो मजदूर 5 दिन भी अपने खाना नहीं खा सकते अपने बल पे अपनी तरफ से, क्योंकि उनके पास पैसे भी नहीं है, खाना भी नहीं है, दोनों में से कोई एक होना चाहिए जिससे वो घर चला सकते थे, 2 महीने तक या 1 महीने तक खा सकते थे, लेकिन दोनों में से एक भी चीज नहीं है उनके पास, ना खाना है ना पैसे है। अगर सरकार बोल रही है कि हमारे पास तो पैसे, हमने उनको पैसे दिया हुआ है, तो पैसे रहते तो वो क्यों मांगते? अगर पैसे है तो वो साबित करे सरकार कि पैसे है इनके पास और फिर भी इन्होंने मांगा। अगर खाना है और सरकार बोल रही है इनके पास खाना था और फिर भी मांगा, तो सरकार साबित करे कि इनके पास खाना कहाँ से आया, वो दिखेगा साफ साफ। और इसमें आंकड़ा तो नहीं दिखना चाहिए, इसमें तो अभी सबको जरूरत है मदद करने की। मैं बहुत सारे लोगों को ऐसे देखता था और मैं पता भी कर रहा था साथ साथ, जो अच्छे खासे काम कर रहे थे, जिनके 30,000-35,000 रुपये महीने का उनकी सैलरी भी मिल रही थी, पूरे परिवार फैमिली बच्चों के साथ वो बाहर में रह रहे थे, अभी उनकी भी स्थिति बहुत बुरे तरह से खत्म हो चुकी है, क्योंकि परेशान है वो, क्योंकि उनका पैसे जो मिल रहे थे वो। संजय, हाँ, वक्त को देखते हुए मैं, हमारे पास 3 मिनट समय बचे हैं, तो मैं आखिरी सवाल अनिंदिता से एक ये पूछना चाहूंगा कि लॉकडाउन जब खत्म होगा उसके बाद सरकार को किस तरीके से ये लॉकडाउन को खत्म करना चाहिए, क्योंकि एक साथ अगर हम सारे ट्रेन वेन खोल दें तो फिर, तो जरा उस पर अगर आप 1 मिनट में अपनी बात रखें तो। इसमें भी दो एस्पेक्ट्स हैं, एक है जो लोग एक जगह पे हैं और वहीं रहते हैं, और दूसरे हैं जो शायद एक जगह से दूसरे जगह तुरंत निकलना चाहेंगे, जो कि प्रवासी मजदूर हैं। तो सबसे पहले हमारी जो मांग रही है ये है कि प्रवासी मजदूर जो फंसे हुए हैं, जो घर जाना चाहते हैं, उनको आप अगले 2-2.5 हफ्तों में आप ट्रेन बसों का इंतज़ाम कीजिए और उनको स्टैगर्ड तरीके से, मतलब देरी देरी करके आप उनको घर तक जाने का साधन दीजिए,
ये प्रशासन और सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि आप जिस तरीके से आपने स्टूडेंट्स और अलग अलग लोगों को दूसरे देशों से आपने चार्टर प्लेन्स करके आप उनको वापस देश में लाए हैं, उसी तरीके से आप हमारे प्रवासी मजदूरों को भी घर तक पहुंचाएं, और ये आपकी जिम्मेदारी है और ये खर्चा भी आपके तरफ से होना चाहिए। एक तो ये है, ये लॉकडाउन के ईजिंग में ये एक इम्पॉर्टेंट कदम रहेगा। दूसरा है कि जहाँ पे अक्यूट लॉस ऑफ लाइवलीहुड्स और जो बिल्कुल जो सेविंग्स तो वैसे भी इन लोगों के पास है नहीं, तो उनके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आपको एक लॉन्गर टर्म जो एलोकेशंस हैं आपके, जो इन्वेस्टमेंट इन जो आपका सोशल सिक्योरिटी है, पूरा जो कवर है, आप जितना अभी जीडीपी आप अभी खर्च कर रहे हैं इन पर, आपको ये एटलीस्ट डबल करना होगा। इसके अलावा जो पब्लिक हेल्थ केयर है उसमें तो एक इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत अभी अगर महसूस नहीं हुई तो ये कभी नहीं महसूस होगी। तो वो पब्लिक हेल्थ केयर में जो इन्वेस्टमेंट है वो रैंप अप किया जाए। तो ये दो तीन चीज़ें हैं, कुछ लॉन्ग टर्म और कुछ इमीडिएट टर्म। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सब चीज़ को जोड़ते हुए मैं आखिरी में ये कहना चाहूँगा कि जो कई लोगों ने, कई अर्थशास्त्रियों ने, कई रिटायर्ड आईएएस के ऑफिसरों ने भी ये अपील की थी कि कम से कम 7,000 रुपये हर मजदूर के खाते में हर महीना 2 महीने के लिए कम से कम दिया जाए, और ये 7,000 का जो आंकड़ा है ये सरकार की तरफ से कोई एहसान नहीं है। अगर आप देखेंगे जितने भी मजदूरों से स्वान ने बात किया है, या फिर अगर आप सरकार के आंकड़े देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि 60% लोग कम से कम हिंदुस्तान में उनकी मासिक तनख्वाह 12,000 से कम है, 80% लोगों की मासिक तनख्वाह 18,000 से कम है। सातवें पे कमीशन में ये आया था साफ साफ कि मिनिमम न्यूनतम मजदूरी जीने के लिए हिंदुस्तान में 18,000 होने चाहिए। अब 80% हिंदुस्तान की आबादी 18,000 से कम कमाती है। तो हम जो मांग रख रहे हैं 7,000 की, वो कोई एहसान नहीं है। जब लॉकडाउन के समय उनके पास कोई कमाने का साधन नहीं है तो सरकार का ये फर्ज बनता है, कानूनी हक बनता है लोगों का। कई ऐसे कानून हैं, इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर एक्ट, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, ऐसे कई कानून हैं जिसके तहत ये मजदूरों का हक बनता है और सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को कम से कम, मैं तो कहूँगा कि 18,000 देना चाहिए, 7,000 तो उसका एक तिहाई है, तो एक तिहाई जो उनका हक है वो भी अगर हम सरकार नहीं दे पा रही है तो ये कहीं पे सरकार की जिम्मेदारी पर बहुत गहरा सवाल उठता है। मेरे ख्याल से हम सभी को हर तरीके से, हर कोने से ये सवाल को सशक्त रूप से उठाना चाहिए। और मैं आखिरी में ये बात कहूंगा कि जैसे अविनाश ने कहा, मुकेश ने कहा और आप सब ने भी कहा गरिमा की बात, और मेरे ख्याल से यहाँ पे जॉर्ज ऑरवेल जो एक बहुत ही अच्छे लेखक रहे हैं इंग्लैंड के, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि आइदर एवरीवन लिव्स विद डिग्निटी और नोबडी डज। इसका ये मतलब है कि या सब लोग गरिमा के साथ रहते हैं या कोई भी नहीं रहता। ये मेरे ख्याल से, ये अगर हम ये कहें कि हमें 2 वक्त का खाना मिल रहा है, हमारे पास 10,000 रुपये हैं खर्च करने को, लेकिन किसी और के पास खाना नहीं है, पैसा नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते कि हम गरिमा के साथ जी रहे हैं। इसका ये मतलब है कि हम भी गरिमा के साथ नहीं जी रहे। तो आज हिंदुस्तान की ये स्थिति है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो राजा हो या रंक हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या मजदूर हो, कोई भी चैन की नींद सो नहीं सकता, क्योंकि हम सब की गरिमा आज टूटी हुई है, हम सब की गरिमा आज फटा हुआ है। और इसी के साथ मैं ये सत्र आज का खत्म करना चाहूंगा और ये ऐलान भी करना चाहूंगा कि 23 अप्रैल को 11 बजे इसी चर्चा सीरीज को आगे बढ़ाते हुए वरिष्ठ जो बहुत ही प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं, प्रभात पटनायक जी, जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एमेरिटस हैं, उनकी चर्चा होगी प्रोफेसर सतीश देशपांडे के साथ, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में समाज शास्त्र पढ़ाते हैं, सोशियोलॉजी के प्रोफेसर हैं। तो इसी के साथ मैं सारे जो हमारे पैनलिस्ट हैं, संजय, मुकेश, अविनाश, आनंदिता और खासतौर से लोकतंत्रशाला को मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि हमें ये मौका मिला मजदूरों की बात सबके सामने रखने के लिए। सबको जिंदाबाद, शुक्रिया।